हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू तिवारी एकेडमी आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.2 पॉइंट टू क्वेश्चन नंबर वन इंटीग्रेट द फंक्शन 2x एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर मीन्स आपको निकालना है इंटीग्रेशन ऑफ 2x एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी तो ये आपको निकालना है इसमें हम सब्सटूशन का यूज़ करते हैं अब सब्सट्यूशन कैसे यूज करेंगे सब्स्यूशन में हम ऐसा एक्सप्रेशन एक्स का एक्स में एक ऐसा एक्सप्रेशन लेंगे जिसका हमें डिफेंशिएशन ऑलरेडी इसमें प्रेजेंट हो मीन्स कैसे अगर हम वन प्लस एक्स स्क्वायर को इसमें देखते हैं इसको हम कुछ नया वेरिएबल टी एज्यूम कर लें टी सब्सूट करेंगे इसको तो इसका डिफेंशिएशन क्या आएगा टू एक्स डी एक्स इक्व टू डी टी हमने दोनों साइड को डिफेंशिएट कर दिया अब ये टू एक्स ऑलरेडी प्रेजेंट है अब ये हम शॉर्ट में कैसे देखेंगे अगर हम वन प्लस एक्स स्क्वायर को हम टी ले लें अभी हमें माइंड में ही करना है वन प्लस एक्स स्क्वायर को टी लिया तो इसको डिफ्रेंशिएट करके जीरो प्लस टू एक्स और ये टू एक्स हमें यहाँ पे दिख रहा है तो हम वन प्लस एक्स स्क्वायर को टी अज्यूम कर लेंगे फिर तो ये हमारी प्रोसेस क्या चलेगी इतनी माइंड में चलेगी कि वन प्लस एक्स स्क्वायर को टी लिया और उसका डिफ्रेंशिएशन भी यहाँ पर है तो अब नेक्स्ट स्टेप आप इसको लिखेंगे तो ये तो समझाने के लिए था अब इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स तो लेट वन प्लस एक्स स्क्वायर इक्वस टू टी तो दोनों साइड को डिफेंशिएट किया क्या आ जाएगा जीरो प्लस टू एक्स डी एक्स इक्वस टू डी टी तो यहां से अब इसमें हम सब्सटूट करते हैं इंटीग्रेशन आएगा टू एक्स डी एक्स ये आपका पार्ट है इसके प्लेस पे क्या लिख देते हैं डी टी लिख देते हैं अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर वन प्लस एक्स स्क्वायर क्या है टी है तो डी टी अपॉन टी ये इंटीग्रेशन आ गया टी का इंटीग्रेशन के ही रिस्पेक्ट में देखना है तो ये वन अपॉइंट टी डी लिख सकते हैं इसको वन अपॉइंट टी डी और वन अपॉइंट टी का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग टी लॉग mod टी बोल सकते हैं लॉग mod टी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी तो टी के रिस्पेक्ट में आपको आंसर नहीं देना क्वेश्चन में क्या था सिर्फ और सिर्फ X था वेरिएबल टी हमने कुछ से जूम किया था तो टी के प्लेस में अगेन एक्स रिप्लेस कर देंगे टी किसके कुल वन प्लस एक्स स्क्वायर के तो आ जाएगा लॉग मॉड वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी ये आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का ना क्वेश्चन नंबर टू इंटीग्रेट द फंक्शन लॉग एक्स होल स्क्वायर अपॉन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स होल स्क्वायर अपॉन एक्स डी एक्स ये आपको निकालना है तो इसमें अगर हम लॉग एक्स को अगर हम टी एज्यूम करें तो ये क्या है वन बाई एक्स है यहाँ पे तो वन बाई एक्स क्या हो गया डी टी हो जाएगा क्योंकि लॉग एक्स को डिफेंशिएट करके वन बाई एक्स ही आएगा तो लॉग एक्स को टी हमने ने एज्यूम किया तो उसका डिफेंशिएशन भी हमारे पास यहाँ पे है वन बाई एक्स तो एज्यूम करेंगे लेट लॉग एक्स इक्व टू टी या मॉड एक्स भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ डोमेन में क्या है लॉग एक्स है तो एक्स क्या होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए तभी ये डिफाइंड होगा तो एक्स पॉजिटिव ही होगा तो मॉड एक्स लिख लीजिए या एक्स लिख लीजिए एक ही बात है इस केस में तो लॉग एक्स को लॉग एक्स को हमने टी अज्यूम कर लिया इसका डिफेंशिएशन क्या आएगा वन अपॉन एक्स डी एक्स इक्व टू डी टी ये दोनों साइड हमने डिफेंशिएट कर ली तो अब देखते हैं इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा तो इंटीग्रेशन लॉग एक्स होल स्क्वायर ये क्या हो जाएगा टी का स्क्वायर हो जाएगा लॉग एक्स क्या है टी है और वन अपॉन एक्स ये वाला वन अपॉन एक्स क्या बन जाएगा वन अपॉन एक्स इंटू डी एक्स ये पूरा पार्ट ये कन्वर्ट हो जाएगा डी टी में तो टी स्क्वायर डी टी ये आ गया आपका इंटीग्रेशन अब टी स्क्वायर में फॉर्मूला लग जाएगा टी की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या आएगा टी की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन तो जाएगा टी की पावर टू प्लस वन अपॉन टू प्लस वन प्लस कॉन्स्ट ऑफ इंटीग्रेशन सी तो ये आ गया टी क्यूब बाई थ्री प्लस सी और आंसर हमें एक्स में देना होगा ये जो वेरिएबल क्वेश्चन में गिवन है तो टी के प्लेस में क्या पुट कर देंगे लॉग एक्स तो आ जाएगा log x का होल क्यूब बाई थ्री प्लस सी अब इस आंसर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं इक्व टू लॉग मॉड एक्स का होल क्यूब बाई थ्री प्लस सी ऐसा क्यों लिख सकते हैं क्योंकि x क्या है पॉजिटिव है तो x और मॉड एक्स क्या होंगे इक्वल होंगे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं तो ये दोनों ही आंसर वैलिड है अगला क्वेश्चन नंबर थ्री आपको इंटीग्रेट क्या करना है वन अपॉन एक्स प्लस एक्स इंटू लॉग एक्स डी एक्स तो आपको फाइंड आउट करना है तो इसमें डायरेक्टली कोई फंक्शन और उसका डिफ्रेंशिएशन नज़र नहीं आ रहा बट अगर हम देखें इसको थोड़ा मॉडिफाई करें ये एक्स कॉमन ले सकते हैं इनसे तो वन अपॉन एक्स वन प्लस लॉग एक्स डी एक्स तो ये आपका फंक्शन आ गया अब इसमें वन प्लस लॉग एक्स को अगर हम टी एज्यूम करें तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा वन अपॉन एक्स जो कि यहाँ पर है वन अपॉन एक्स डी है तो हम अज्यूम करते हैं लेट वन प्लस लॉग एक्स इक्वस टू टी अब यहाँ पे लॉग एक्स लिखें या लॉग मॉड एक्स लिखें सेम बात है क्योंकि एक्स क्या होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए डिफाइंड होने के लिए तो लॉग मॉड एक्स या फिर लॉग एक्स सेम चीज़ है इस केस में तो इसको डिफेंशिएट करते हैं तो वन का डिफ्रेंशिएशन जीरो और लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स डी एक्स इक्वस टू डी टी तो इंटीग्रेट क्या बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ये वन अपॉन एक्स और डी एक्स इनको मिला के बन जाएगा डी टी और वन प्लस लॉग एक्स ये क्या है टी तो वन अपॉन टी डी टी अब वन अपॉन टी डी टी इसका इंटीग्रेशन आएगा लॉग मॉड ऑफ टी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी अब आंसर हमें एक्स में देना है तो टी के प्लेस में क्या पुट कर देंगे वन प्लस लॉग एक्स तो लॉग ऑफ वन प्लस लॉग एक्स प्लस सी ये आपका आंसर आ जाएगा अब क्वेश्चन नंबर फोर सॉल्व करते हैं इंटीग्रेट द फंक्शन साइन एक्स इंटू साइन ऑफ कॉस एक्स तो आपको फाइंड आउट करना है साइन एक्स इंटू साइन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स अब इस केस में यहाँ पे आपको कॉस एक्स दिख रहा है और इसका डिफ्रेंसिएशन क्या आता है माइनस साइन एक्स उसका यहाँ पर साइन एक्स दिख रहा है प्लस माइनस से ज़्यादा इशू नहीं आता उसको एडजस्ट कर सकते हैं देखते कैसे करेंगे यहाँ पे कॉस एक्स को अगर हम टी एज्यूम करें तो उसका डिफेंशिएशन माइनस साइन के साथ यहाँ पे दिया हुआ है तो लेट कॉस एक्स इक्व टू टी इसको डिफेंशिएट कर देते हैं दोनों साइड माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्व टू डी टी तो साइन एक्स डी एक्स यहाँ से आ जाएगा साइन एक्स डी एक्स जो यहाँ पे प्रेजेंट है साइन एक्स और डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी माइनस साइन उधर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो नेक्स्ट देखते हैं इंटीग्रल क्या बनेगा इंटीग्रेशन साइन एक्स और डी एक्स इसको मिला के बन जाएगा माइनस डी टी तो माइनस तो कॉन्स्टेंट है माइनस वन है तो माइनस वन इंटू डी टी और बाकी बचा हुआ पार्ट क्या है साइन ऑफ कॉस एक्स तो साइन ऑफ कॉस एक्स है टी तो साइन तो फंक्शन कन्वर्ट हो गया माइनस वन इंटू साइन टी डी टी अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया सब्स्टिट्यूट करके अब साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस टी तो माइनस पहले से बाहर है और माइनस कॉस टी प्लस कॉन्स्टेंट आ जाएगा सी अब ये प्लस सी हम ऐसे लिखें या फिर ऐसे लिखें इससे कोई इशू नहीं होता क्यों ये बन जाएगा प्लस कॉस टी और ये माइनस सी अब ये तो आर्बिटरी कॉन्स्टेंट है पॉजिटिव वैल्यू भी ले सकता है नेगेटिव भी तो यहाँ पे प्लस सी लिखो माइनस सी लिखो इससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा तो इसको आप डायरेक्टली प्लस सी भी लिख सकते हैं माइनस सी भी लिख सकते हैं तो अब नेक्स्ट स्टेप में कॉस टी है आंसर हमें एक्स में देना होगा टी क्या है कॉस एक्स तो ये बन जाएगा कॉस ऑफ टी के प्लेस में कॉस एक्स प्लस सी या माइनस सी ऐसा कुछ भी लिख दीजिए दोनों आंसर करेक्ट हैं तो ये आपका आंसर आ गया न क्वेश्चन नंबर फाइव इंटीग्रेट द फंक्शन साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी तो आपको फाइंड करना है साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स तो इसके लिए सबसे पहले इसको मॉडिफाई करते हैं इसको हम थोड़ी देर के लिए थीटा रिज्यूम करते हैं एक्स प्लस बी को तो so, ये फंक्शन अंदर वाला क्या है साइन थीटा कॉस थीटा इसको मॉडिफाई कैसे करते हैं अब टू साइन थीटा थीटा क्या इक्वल होता है साइन टू थीटा के तो साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा साइन टू थीटा अपॉन टू तो ये सिंगल साइन के कन्वर्ट में हो गया साइन के टर्म में तो इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू थीटा मीन्स ट्वाइस ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स अपॉन कितना टू ये वाला टू है अब ये वन बाई टू तो बाहर आ जाएगा कांस्टेंट है इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू ए एक्स प्लस बी डी एक्स अभी भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो इसको हम अंदर वाले को टी अज्यूम कर लेते हैं तो ये साइन टी बन जाएगा सो लेट ट्वाइस ऑफ ए एक्स प्लस बी इक्वल टू टी तो ये क्या हो गया टू ए एक्स प्लस टू बी इक्व टू टी इसको डिफेंशिएट करके आ जाएगा टू ए डीएक्स इक्व टू ये तो जीरो आएगा इक्व टू डी टी तो यहां से dx की वैल्यू क्या आ जाएगी dt टी अपॉन टू ए टू ए को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया अब ये इंटीग्रल क्या बनेगा वन बाई टू इंटीग्रल साइन ट्वाइस ऑफ ए एक्स प्लस बी ये क्या है t है तो साइन t इंटू डी एक्स डीएक्स क्या है dt टी अपॉन टू ए तो डी टी अपॉन टू ए तो ये टू ए तो कॉन्स्टेंट है ये अगेन बाहर आ जाएगा तो वन अपॉन टू इंटू वन अपॉन टू ए तो वन अपॉन फोर ए इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डी टी अब अगेन ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया इसका इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस टी तो वन बाई फोर ए इंटू माइनस कॉस टी प्लस आर्टरी कॉन्स्टेंट सी अब इसमें कई बार ये भी कन्फ्यूजन होता है वन बाई फोर ए है इंटीग्रेशन को हम माइनस कॉस्टी प्लस सी लिखेंगे तो ये बन जाएगा माइनस कॉस्टी बाई फोर ए ये तो यही वाला टर्म है प्लस सी अपॉन फोर ए तो इसको यहाँ पे हम सी लिख रहे हैं यहाँ पे सी बाई फोर ए लिख रहे हैं इसका अगेन एक्सप्रेशन यही है कि ये क्या है सी अपॉन फोर ए ये एक कॉन्स्टेंट है जो कि कोई भी आर्बिटेरी वैल्यू ले सकता है और ये भी एक कॉन्स्टेंट है जो कि कोई भी आर्बिटेरी रियल वैल्यू ले सकता है तो ये दोनों चीज़ें सेम ही हैं इसमें कोई डिफरेंस नहीं है हम सी बाई फोर ए लिख सकते हैं इसको सी बाई टेन ए भी पुट कर सकते हैं इसको सी बाई हंड्रेड ए कुछ भी लिख सकते हैं तो ये इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा तो ये क्या बन गया माइनस कॉस्टी बाई फोर ए प्लस सी अब आंसर आपको क्या चाहिए एक्स के टर्म्स में ठीक है ट्वाइस ऑफ ए एक्स प्लस बी तो ये हो जाएगा माइनस कॉस्ट ऑफ ट्वाइस ए एक्स प्लस बी अपाउं फोर ए प्लस सी ये आपका आंसर आ जाएगा नेक्स्ट हम इसी क्वेश्चन को एक अलग मेथड से करते हैं मेथड टू इंडिकेशन है साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स अब साइन ये जो भी आपका वेरिएबल है अंदर इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा कॉस ये वाला वेरिएबल इंटू कुछ चेन रूल से और कुछ आएगा तो देखते हैं क्या होगा साइन का डिफरेंशिएशन हमें दिख रहा है कुछ कॉस वाला टर्म यहाँ पर है तो लेट साइन ए एक्स प्लस बी इक्वस टू टी हमने साइन को भी साथ में ले लिया इस पूरे को हमने टी एज्यूम किया है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा लेफ्ट साइड का चेन रूल लगाएंगे कॉस ए एक्स प्लस बी फिर अंदर वाले को डिफेंशिएट करेंगे ये आ जाएगा ए तो ए इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स टू डी टी तो कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स ये जो आपका पार्ट यहाँ पे प्रेजेंट है ये किसके इक्वल हो जाएगा डी टी अपॉन ए के तो अब इंटीग्रल देखते हैं क्या आएगा है साइन ए एक्स प्लस बी ये क्या हो जाएगा टी और कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स ये किसके इक्वल है डी टी बाई ए तो डी टी और वन अपॉन ए को हमने बाहर ले लिया तो ये आ गया आपके पास तो वन अपॉन ए और टी का इंटीग्रेशन आ जाएगा टी स्क्र अपॉन टू प्लस ए कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अब टी क्या है साइन एक्स प्लस बी इसको सब्स कर देते हैं वन अपॉन टू ए साइन स्क्वायर यहाँ पे टी स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी प्लस सी अब आपको पहले वाले फॉर्म में अगर आंसर लाना है तो क्या करेंगे साइन स्क्वायर इसको थीटा ज्यूम करें तो साइन स्क्वायर थीटा यह क्या होता है वन माइनस कॉस टू थीटा अपॉन टू ये होता है तो ये अप्लाई करते हैं यह आ जाएगा वन पॉइंट टू ए वन माइनस कॉस टू थीटा और थीटा क्या है ए एक्स प्लस बी तो कॉस ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस बी अपॉन टू प्लस सी तो ये बनेगा तो ये वन पॉइंट टू आएगा पहले तो वन पॉइंट टू ए वन पॉइंट टू माइनस कॉस ट्वाइस ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन टू प्लस सी तो यह आ जाएगा वन पॉइंट फोर ए माइनस वन पॉइंट टू ए इंटू टू तो वन पॉइंट फोर ए इंटू कॉस ट्वाइस ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस सी अब सी प्लस ये कुछ कांस्टेंट वैल्यू है बट ये तो आर्बिटरी वैल्यू ले सकता है तो सी प्लस ये कांस्टेंट को हम अगेन कोई भी आर्बिटरी सी लिख सकते हैं इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा तो सी और माइनस कॉस ट्वाइस ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन फोर ए यही आंसर आपका पहले भी आ रहा था और इस मेथड से भी आपका यही आंसर आ गया तो ये थोड़ा लेंथी है ये वाला मेथड बट ये आपको इलस्ट्रेट करता है कि आपका टिग्नोमेट्रिक जो इंटीग्रेशन है यूजुअली कोई भी इंटीग्रेशन कई सारे मेथड से कर सकते हैं और टिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन के तो बहुत सारे मेथड्स होते हैं कोई भी इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं और इसी क्वेश्चन को हम मेथड थ्री से भी कर सकते हैं अगर हम कॉस ए एक्स प्लस बी को ठीक ज्यूम करते हैं उसका डिफरेंशिएशन साइन ए एक्स प्लस बी के टर्म्स में आता तो हम इस सवाल को ऐसे भी कर सकते थे कि हम अज्यूम करते लेट कॉस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू टी तब भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता तो ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के कई सारे मेथड्स हो सकते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स इंटीग्रेट करना है अंडर रूट ए एक्स प्लस बी को डी एक्स अब इसमें सब्सिट्यूट क्या करें अब ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे रेडिकल्स आ रहे हैं मीन्स अंडर रूट वाले टर्म्स आ रहे हैं कई सारे तो इसमें हम कोशिश क्या करते हैं इसको हम रूट वाले टर्म को गायब करते हैं रूट को हटा दें तो कैसे हटाएंगे अगर इसके अंदर कुछ परफेक्ट स्क्वायर आ जाए तो हम कोशिश करेंगे क्या हम एज्यूम करेंगे लेट ए एक्स प्लस बी ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर है मीन्स टी स्क्वायर एज्यूम करेंगे यहाँ पे हम यहाँ पे टी एज्यूम नहीं टी स्क्वायर एज्यूम कर रहे हैं तो क्या होगा अब दोनों साइड को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ए एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ए तो कॉन्स्टेंट है और डीएक्स आ जाएगा b का डिफेंशिएशन जीरो इक्व टू राइट साइड में टू टी डी टी ये आ गया तो डी एक्स आ गया आपके पास टू टी डी टी अपॉन ए अब आपका इंटीग्रेशन क्या बनेगा अंडरू टी स्क्वायर तो ये बन जाएगा क्या टी इंटू डी एक्स के में टू टी डी टी बाई तो ये आ जाएगा टू अपॉन ए तो बाहर आ जाएगा कॉन्स्टेंट है इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर डी टी और टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट में क्या आएगा टू अपॉन ए तो कॉन्स्टेंट है टी की पावर थ्री अपॉन थ्री प्लस आर्बिटरी कॉन्स्टेंट सी अब नेक्स्ट आपको आंसर क्या चाहिए के टर्म्स में अब ये टी की पावर थ्री है और ये आपको टी स्क्वायर पता है तो यहाँ से टी क्या आ जाएगा टी आ जाएगा अंडर रूट ए एक्स प्लस बी तो पुट कर देते हैं टी की वैल्यू टू अपॉन ए टू अपॉन थ्री ए लिख देते हैं इसको और टी क्यूब है तो अंडर रूट ए एक्स प्लस बी की पावर थ्री प्लस सी इसको थोड़ा और मॉडिफाइड फॉर्म में लिखें तो टू बाई थ्री एक्स प्लस बी की पावर हाफ है इंटू थ्री तो ए एक्स प्लस बी की पावर थ्री बाई टू हो जाएगा वन बाई टू इंटू थ्री प्लस सी तो ये आपका आंसर आ गया तो ये तो मैथड वन हो गया अब इसको हम एक और मेथड से करते हैं मेथड टू इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए एक्स प्लस बी डी एक्स अब हम ए एक्स प्लस बी को टी मानते हैं देखते हैं क्या होगा लेट ए एक्स प्लस बी इक्वस टू टी टी स्क्वायर नहीं टी एज्यूम क्या तो डिफरेंशिएट करते हैं दोनों साइड ये आ जाएगा ए डी एक्स इक्व टू डी टी अब इंटीग्रल क्या बना अंडर रूट एक्स प्लस बी क्या है टी है तो रूट टी और डी एक्स डी एक्स क्या जाएगा डी टी यहाँ पर डी एक्स इक्व टू डी टी अपॉन ए तो जाएगा डी टी अपॉन ए तो वन अपॉन ए तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ रूट टी मीन्स टी की पावर वन बाई टू डी टी और टी की पावर वन बाई टू का इंटीग्रेशन क्या आएगा टी के रिस्पेक्ट में टी की पावर वन बाई टू प्लस वन मीन्स थ्री बाई टू अपॉन थ्री बाई टू अगेन तो थ्री नीचे और टू टर में प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी तो आ जाएगा टू ओ थ्री ए टी की पावर थ्री बाई टू मीन्स ए एक्स प्लस बी की पावर थ्री बाई टू प्लस सी यहाँ से भी आपका पहले जैसा ही आंसर आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इन रूट एक्स प्लस टू डी एक्स अब अगेन यहाँ पे रूट वाला टर्म है तो रूट हटाने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ एक और चीज़ ध्यान दीजिए अगर ये दोनों लीनियर टर्म्स हैं मीन्स एक्स की पावर वन ही आ रही है उससे हायर पावर नहीं है तो इसमें टी स्क्वायर रेज्यूम करके सॉल्व कर सकते हैं तो जूम करते हैं लेट एक्स प्लस टू इक्व टू टी स्क्वायर टी नहीं टी स्क्वायर एजूम कर रहे हैं तो इसको डिफेंशिएट करें तो डी एक्स इक्वस टू टू टी डी टी आ जाएगा अब यहाँ पर एक्स है इंटीग्रेशन क्या बनेगा एक्स एक्स को लिख सकते हैं हम यहाँ से एक्स इक्व टू टी स्क्वायर माइनस टू तो एक्स के प्लेस में लिख देंगे टी स्क्वायर माइनस टू और अंडर रूट एक्स प्लस टू एक्स प्लस टू क्या है टी स्क्वायर है और डी एक्स डी एक्स है टू टी डी टी टू टी डी ये आ गया अब इसको एक्सप्लेन करते हैं टी स्क्र माइनस टू अंडर रूट टी क्या आ जाएगा अंडर रूट टी स्क्र टी आ गया ये टू को हम बाहर लिख लेते हैं और ये एक और टी है तो ये टी स्क्वायर डी टी ये बनेगा ट्वाइस ऑफ तो इंटीग्रेशन इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करें तो टी की पावर फोर माइनस टू टी स्क्वायर डी टी अब ये दो फंक्शंस को सेपरेट करके लिखा हुआ है तो इनको सेपरेट कर लेते हैं टू तो, तो कॉन्स्टेंट है इसको बाहर लिख लेते हैं इंटीग्रेशन टी की पावर फोर डी टी माइनस टू टी स्क्वायर तो माइनस टू कॉन्स्टेंट है इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर डी टी ये आ जाएगा टू इंटू टी की पावर फोर का इंटीग्रेशन टी की पावर फाइव अपॉन फाइव माइनस टू टी की पावर टू का इंटीग्रेशन टी की पावर थ्री अपॉन थ्री प्लस आर्बरी कांस्टेंट सी अब आंसर आपको टी के टर्म्स में आ गया इंटीग्रेशन लिखना किसमें एक्स के टर्म्स में लिखना है तो टी स्क्वायेर क्या है एक्सप्ल टू तो यहाँ से क्या हो जाएगा t इक्व टू अंडर रूट एक्स प्लस टू तो t के प्लेस में x प्लस टू की पावर हाफ लिख सकते हैं तो हो जाएगा टू बाई फाइव टी की पावर फाइव मीन्स x प्लस टू की पावर फाइव बाई टू हो जाएगा x प्लस टू की पावर वन बाई टू था और फाइव की पावर और रेस करनी पड़ेगी इस समय माइनस टू इंटू टू ये हो जाएगा फोर अपॉन थ्री टी की पावर थ्री मीन्स एक्सप्ल टू की पावर थ्री बाई टू हो जाएगा प्लस टू सी अभी अगेन यार ड्री कॉन्स्टेंट है इसको फिर से सी लिख सकते हैं कोई इशू नहीं होगा इसमें तो ये आपका आंसर आ गया अब नेक्स्ट इसी क्वेश्चन को अगले मेथड से करते हैं मेथड टू इंटीग्रेशन क्या निकालना था आपको एक्स इंटू रूट एक्स प्लस टू डी एक्स अब इसमें रूट वाले टर्म को जो एक्स प्लस टू है इसको टी मान लेते हैं लेट एक्स प्लस टू इक्वल्स टू टी पिछले मेथड में क्या था एक्स प्लस टू को टी स्क्वायर जूम क्या था यहाँ पे टी ज़ूम क्या है तो डिफ्रेंशिएट करें दोनों साइड डी एक्स टू डी टी आ जाएगा तो अब इंटीग्रेशन क्या बनेगा एक्स तो एक्स यहाँ से क्या आ जाएगा एक्स इक्वल्स टू टी माइनस टू तो इसको लिख सकते हैं टी माइनस टू और अंडर रूट एक्स प्लस टू तो मीन्स अंडर रूट टी तो ये रूट टी आ गया और डी एक्स क्या है डी टी है तो ये क्या बन जाएगा इंटीग्रेशन इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया टी की पावर वन और टी की पावर हाफ तो ये बन जाएगा टी की पावर वन प्लस वन बाई टू मीन्स टी की पावर थ्री बाई टू माइनस टू इंटू रूट टी मीन्स टी की पावर वन बाई टू डी टी अब इंटीग्रेशन को सेपरेट कर देते हैं यह आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर थ्री बाई टू माइनस टू कॉन्स्टेंट है और टी की पावर वन बाई टू डी टी यहाँ पर भी डी टी आएगा इनको इंटीग्रेट करें t की पावर थ्री बाई टू इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t की पावर थ्री बाई टू प्लस वन टी की पावर फाइव बाई टू अपॉन फाइव बाई टू फाइव और टू माइनस टू इंटू टी की पावर हाफ का इंटीग्रेशन t की पावर हाफ प्लस वन t की पावर थ्री बाई टू अपॉन थ्री बाई टू तो थ्री डिनोमीटर में टू नियोमेटर में प्लस आर्बिट्री कॉन्स्टेंट c अब t के प्लेस में अंडर रूट के प्लेस में एक्स प्लस टू पुट कर देते हैं तो आ जाएगा टू बाई फाइव एक्स प्लस टू की पावर फाइव बाई टू माइनस फोर बाई थ्री एक्स प्लस टू की पावर थ्री बाई टू प्लस आर्बिट्री कॉन्स्टेंट सी ये आपका आंसर आ गया मेथड टू से ना क्वेश्चन नंबर एट इंटीग्रेट द फंक्शन एक्स अंडर रूट वन प्लस टू एक्स स्क्वायर एक्स इन अंडर रूट वन प्लस टू एक्स स्क्वायर डी एक्स अब इसमें वन प्लस टू एक्स स्क्वायर को टी एज्यूम करते हैं लेट वन प्लस टू एक्स स्क्वायर इक्वस टू टी तो डिफेंशिएट कर देते हैं इसको दे तो जीरो हो जाएगा टू इंटू टू एक्स मीन्स फोर एक्स डी एक्स टू डी टी तो एक्स इंटू डी एक्स आ गया आपके पास डी टी अपॉन फोर तो इंटीग्रल देखते हैं क्या बन जाएगा x इंटू डी एक्स ये है तो x इंटू डी एक्स डी टी फोर है तो वन अपॉइंट फोर तो बाहर आ गया और डी टी और अंडर रूट वन प्लस टू एक्स स्क्वायर तो अंडर रूट वन प्लस टू एक्स स्क्वायर क्या है t है तो आ गया वन बाई फोर इंटीग्रेशन t की पावर वन बाई टू डी टी अब इसका इंटीग्रेशन क्या आता है वन बाई फोर ये आ गया कॉन्स्टेंट t की पावर वन बाई टू प्लस वन थ्री बाई टू अपॉन्ट थ्री बाई टू थ्री डिनोमीटर में टू न्यूमिटर में प्लस कॉन्स्टेंट सी तो ये कैंसिल हो जाएगा टू तो वन बाई सिक्स टी की पावर थ्री बाई टू प्लस सी अब टी क्या है वन प्लस टू एक्स स्क्वायर है आंसर एक्स में लाना है तो ये वन बाई सिक्स वन प्लस टू एक्स स्क्वायर वन प्लस टू एक्स स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू प्लस सी तो ये आपका आंसर आ गया अब आप इसी क्वेश्चन को कैसे कर सकते थे वन प्लस टू एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर एज्यूम कर सकते थे तो ये आपका मेथड टू हो जाएगा इसको आप ट्राई कर सकते हैं आंसर आपका यह क्या ना क्वेश्चन नंबर नाइन आपको इंटरग्रेट करना है फोर एक्स प्लस टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन फोर एक्स प्लस टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन डी एक्स अब देखते हैं अगर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन को हम टी एज्यूम करें नया वेरिएबल सब्सिट्यूट करते हैं तो इसको डिफेंशिएट करके क्या आएगा टू एक्स प्लस वन डी एक्स इक्व टू डी टी ये आ जाएगा अब ये फोर एक्स प्लस टू से अगर हम टू कॉमन लें तो ये टू एक्स प्लस वन डी एक्स बन जाएगा तो इसका मतलब अगर हम इसको टी ले लें तो ये ये वाला टर्म डी टी में आ जाएगा कन्वर्ट तो अब लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन को टी एज्यूम कर लेते हैं डिफ्रेंशिएट करके टू एक्स डीएक्स प्लस वन डीएक्स तो डीएक्स कॉमन आ गया इक्वल टू डी टी अब इसको हम लिख सकते हैं क्या ट्वाइस ऑफ टू एक्स प्लस वन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन डीएक्स अब सब कर देते हैं ये क्या आ जाएगा ट्वाइस ऑफ टू एक्स प्लस वन डीएक्स मींस ये वाला टर्म और ये वाला टर्म मिला के क्या आ जाएगा डी टी ये डी टी आ गया और अंडर रूट ये अंदर वाला टर्म क्या है ये टी है तो रूट टी मीन्स टू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर वन बाई टू डी टी अब टी की पावर वन बाई टू का इंटीग्रेशन क्या होता है टी की पावर वन बाई टू प्लस वन मीन्स थ्री बाई टू अपॉन थ्री बाई टू तो थ्री और टू ऊपर आ जाएगा प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी अब टी को रिप्लेस कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन से आंसर क्योंकि हमें एक्स में चाहिए कांस्टेंट तो फोर बाई थ्री और डी है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस, प्लस वन इसकी पावर थ्री बाई टू प्लस सी ये आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का नौ क्वेश्चन नंबर टेन इंटीग्रेट करना आपको वन अपॉन एक्स माइनस अंडर रूट एक्स डी एक्स अभी डायरेक्ट कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है इसके लिए तो थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा अब कैसे करते हैं देखते हैं वन अपॉन अब इसमें रूट एक्स इंटू रूट एक्स लिख सकते हैं इसको एक्स को और ये रूट एक्स है तो इनमें से रूट एक्स कॉमन आ जाएगा अंदर बचेगा रूट एक्स माइनस वन डी एक्स इतना आ गया अब नेक्स्ट अगर हम रूट एक्स माइनस वन को टी एज्यूम करें लेट रूट एक्स माइनस वन इक्व टू टी तो इसको डिफेंशिएट करते हैं तो एक्स की पावर हाफ है तो ये क्या आ जाएगा वन बाई टू अंडर रूट एक्स डी एक्स इक्व टू डी टी अब वन बाई रूट एक्स डी आ रहा है और यहाँ पर भी वन बाई रूट एक्स और डी एक्स हैं तो ये डी में कन्वर्ट हो जाएंगे तो वन बाई अंडर रूट एक्स डी एक्स इक्व टू टू डी टी इस पूरा टर्म इस पूरे टर्म को हम यहाँ पे सब कर सकते हैं अब देखते हैं इंटीग्रल क्या बनेगा तो वन बाई रूट एक्स डी एक्स ये हो जाएगा टू डी टी अपॉन ये वाला टर्म क्या है ये टी है तो टू अपॉन टी डी टी तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन टू तो कॉन्स्टेंट है और इंटीग्रेशन वन बाई टी का क्या आएगा लॉग मॉड टी तो लॉग मॉड टी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी अब आंसर आपको एक्स के टर्म्स में चाहिए तो रिप्लेस कर देते हैं टी को अंडर रूट एक्स माइनस वन से तो टू लॉग मॉड ऑफ अंडर रूट एक्स माइनस वन प्लस सी ये आपका आंसर आ गया ना क्वेश्चन नंबर इलेवन आपको इंटीग्रेट करना है एक्स अपन अंडर रूट एक्स प्लस फोर डी एक्स और एक्स क्या है पॉजिटिव यून है अब इसमें ये रूट हटाने की कोशिश करेंगे एक्स प्लस फोर को टी ले लेते हैं या टी स्क्वायर कुछ भी ले लेते हैं लेट एक्स प्लस फोर इक्वस टू टी करते हैं तो डी एक्स इक्वस टू डी टी आ गया तो इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा डी एक्स के बदले डी टी आ जाएगा डी एक्स के प्लेस में ये वाला एक्स अब यहाँ पर एक्स को टी के टर्म्स में निकालते हैं एक्स के आ जाएगा यहाँ से टी माइनस फोर तो यहाँ पे एक्स के प्लेस में टी माइनस फोर अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस फोर एक्स प्लस फोर क्या है टी है तो ये टी के टर्म्स में आ गया इंटीग्रेशन अब ये क्या होगा इसको ब्रेक कर लेते हैं टी बाई अंडर रूट टी माइनस फोर बाई अंडर रूट टी डी टी तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ इनको ब्रेक कर लेते हैं अलग अलग और डिवाइड भी कर देंगे तो ये रूट टी टाइम्स कैंसिल हो जाएगा तो रूट टी डी टी मीन्स टी की पावर वन बाई टू डी टी माइनस इंटीग्रेशन और फोर कॉन्स्टेंट है तो फोर बाहर आ गया वन बाई रूट टी मीन्स टी की पावर माइनस हाफ डी टी इनको इंटीग्रेट कर लेते हैं ये आ जाएगा टी की पावर थ्री बाई टू अपॉन थ्री बाई टू थ्री बाई टू अपॉन थ्री बाई टू माइनस फोर इसका इंटीग्रेशन अगेन फॉर्मूला लेगा एक्स की पावर एन या टी की पावर एन का इंटीग्रेशन का इसमें so फॉर्मूला क्या होता है टी की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन तो एन क्या है माइनस हाफ है तो एन प्लस वन क्या हो जाएगा प्लस हाफ तो टी की पावर हाफ अपॉन हाफ तो वन बाई टू प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी या आ जाएगा टू बाई थ्री अब टी के प्लेस में पुट कर देते हैं एक्स प्लस फोर ये सब किया था हमने तो एक्स प्लस फोर की पावर थ्री बाई टू माइनस कॉन्स्टेंट टर्म एट हो गया और अंडर उड या फिर एक्स प्लस फोर की पावर वन बाई टू प्लस सी ये आपका आंसर आ गया या फिर इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हैं सो करते हैं टू एक्स प्लस फोर की पावर थ्री बाई टू और एलसीएम लिया थ्री तो आ जाएगा माइनस ट्वेंटी फोर एक्स प्लस फोर की पावर वन बाई टू प्लस सी अब यहां से अंडर रूट एक्सप्लस फोर एक्सप्लस फोर की पावर थ्री बाई टू है एक्सप्लस फोर की पावर वन बाई टू है तो अंडर रूट एक्सप्लस फोर कॉमन ले सकते हैं और टू भी कॉमन ले सकते हैं तो टू कॉमन लिया और एक्सप्लस फोर की पावर वन बाई टू भी कॉमन ले ली और डिनोमीटर में थ्री है तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा एक्सप्लस फोर की पावर हाफ चली गई थ्री बाई टू में से तो वन पावर रिमेनिंग होगी माइनस कितना ये आ जाएगा टू कॉमन लिया तो ट्वेल्व और ये पूरा फैक्टर बाहर आ गया प्लस सी तो आ जाएगा टू इसको अंडर रूट एक्स प्लस फोर लिख सकते हैं अपॉन थ्री और एक्स प्लस फोर माइनस ट्वेल्व मीन्स एक्स माइनस एट प्लस सी तो इस फॉर्म में भी आंसर लिख सकते हैं इस फॉर्म में भी दोनों वैलिड हैं आपके तो ये आपका आंसर आ गया ना क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व इसमें आपको इंटीग्रेट करना है एक्स क्यूब माइनस वन की पावर वन बाई थ्री इंटू एक्स की पावर फाइव डीएक्स अब इसमें ये रेडिकल में है ये क्या है क्यूब रूट है किसका एक्स क्यूब माइनस वन का तो अब ये अंदर वाले रूट को जैसे अभी तक हम रेडिकल के अंदर वाले टर्म को या तो टी ले, ले रहे थे या टी स्क्वायर ले ले रहे थे तो इस केस में भी हम इसको टी एज्यूम करते हैं पहले लेट एक्स क्यूब माइनस वन इक्व टू टी तो यहाँ से इसको हम डिफेंशिएट करेंगे तो थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्व टू डी टी अब आपके पास ये इंटू है अब आपके पास ये जो गिवन फंक्शन है उसमें एक्स स्क्वायर डी एक्स आना चाहिए लेकिन यहाँ पे एक्स की पावर फाइव आ रहा है तो हम क्या करेंगे इसको कैसे लिख देंगे एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं तो एक्स क्यूब तो हमारा टी के टर्म्स में आ जाएगा यहाँ से एक्स क्यूब आ जाएगा वन प्लस टी और एक्स स्क्वायर आपका डी टी में चला जाएगा तो एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स यहाँ से क्या आ जाएगा डी टी अपॉन थ्री तो इनको यूज करते हैं इंटीग्रेशन पहले लिख लेते हैं एक्स क्यूब माइनस वन की पावर वन बाई थ्री इंटू एक्स की पावर फाइव प्रॉब्लम कर रहा था तो इसको लिखते हैं एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स अब यहाँ से आपका डी टी वाला टर्म भी बन गया और इसको हम टी के टर्म्स में पुट कर सकते हैं और इस वाले को भी तो ये पूरा इंटीग्रेशन टी में आ जाएगा कोई एक्स नहीं बचेगा तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ये वाला टर्म क्या है टी तो टी की पावर वन बाई थ्री इंटू एक्स क्यूब क्या है यहाँ से एक्स क्यूब क्या आ जाएगा इक्व टू टी प्लस वन तो इसको लिख देंगे टी प्लस वन और एक्स स्क्वायर डी एक्स है डी टी बाई थ्री तो पूरा इंटीग्रेशन टी के टर्म्स में आ गया तो इसको हम इंटीग्रेट कर पाएंगे तो ये वन बाई थ्री तो पहले बाहर ले लिया कॉन्स्टेंट है तो इंटीग्रेशन टी की पावर वन बाई थ्री और इसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर देते हैं साथ साथ ये हो जाएगा टी की पावर वन बाई थ्री प्लस वन तो टी की पावर फोर बाई थ्री प्लस टी की पावर वन बाई थ्री अब इन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं वन बाई थ्री इनको ब्रेक करके क्या आएगा टी की पावर फोर बाई थ्री डी टी प्लस इंटीग्रेशन टी की पावर वन बाई थ्री डी टी अच्छे इंटीग्रेशन के फॉर्मले से अप्लाई करेंगे टी की पावर एन का फॉर्मला अप्लाई करेंगे ये क्या आता है टी की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन तो टी की पावर फोर बाई थ्री में एन क्या है फोर बाई थ्री तो फोर बाई थ्री प्लस वन इस टी की पावर फोर बाई थ्री प्लस वन मीन्स सेवन बाई थ्री अपॉन सेवन बाई थ्री प्लस टी की पावर वन बाई थ्री एन है वन बाई थ्री तो वन बाई थ्री प्लस वन फोर बाई थ्री हो जाएगा टी की पावर फोर बाई थ्री अपॉन फोर बाई थ्री प्लस कॉन्स्टेंट प्लस सी तो टी को हम एक्स से रिप्लेस करेंगे टी क्या है टी था हमारा एक्स क्यूब माइनस वन तो यहाँ टी के प्लेस में एक्सक्यूब माइनस वन पुट कर देते हैं वन बाई थ्री इंटू थ्री बाई सेवन एक्सक्यूब माइनस वन की पावर सेवन बाई थ्री प्लस थ्री बाई फोर एक्स क्यूब माइनस वन की पावर फोर बाई थ्री और ये वन बाई थ्री इंटू सी सी बाई थ्री हो जाएगा अगेन आर्बिटरी है तो इसको सी से रिप्लेस कर सकते हैं फिर से तो यहाँ पे फिर से सी लिख दिया तो ये आपका आंसर आ गया अब ये थ्री को भी डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं तो थ्री से ये वाला थ्री कैंसिल और थ्री से ये दोनों थ्री कैंसिल हो जाएंगे तो वन बाई सेवन एक्स क्यूब माइनस वन की पावर सेवन बाई थ्री प्लस वन बाई फोर एक्स क्यूब माइनस वन की पावर फोर बाई थ्री प्लस सी ये आपका आंसर आ गया अब नेक्स्ट इसी क्वेश्चन को एक दूसरे मेथड से करेंगे मेथड टू इंटीग्रेट क्या करना है आपको एक्स क्यूब माइनस वन की पावर वन बाई थ्री इंटू एक्स की पावर फाइव डीएक्स अब ये क्या है क्यूब रूट है तो एक्स क्यूब माइनस वन तो ये क्यूब रूट को हटाने की कोशिश करेंगे रेडिकल्स को हटाने का बोला था तो इसको हम टी क्यूब अज्यूम कर लेते हैं लेट एक्स क्यूब माइनस वन इक्वस टू टी क्यूब तो डिफेंशिएट करते हैं थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वस टू थ्री टी स्क्वायर डी टी अब अगेन ये एक्स की पावर फाइव है ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है इसको डायरेक्टली टी के टर्म्स में नहीं लिख सकते तो इसको ब्रेक कर लेंगे एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर में तो इसको लिखते हैं इंटीग्रल क्या बनेगा आपका एक्स क्यूब माइनस वन की पावर वन बाई थ्री ये तो टी के टर्म्स में आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस वन इंटू एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स अब यहाँ पर पहले थ्री और थ्री कैंसिल कर देना था अब एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या आ गया आपका टी स्क्वायर डी टी के इक्वल आ गया तो इसको पूरे में टी में कन्वर्ट करते हैं पूरे को एक्स क्यूब माइनस वन क्या है टी क्यूब तो टी क्यूब की पावर वन बाई थ्री प्लस एक्स क्यूब अब एक्स क्यूब यहां से लिख सकते हैं हम एक्स क्यूब क्या आ जाएगा टी क्यूब प्लस वन सॉरी यहां पे मल्टीप्लीकेशन का साइन है इंटू एक्स क्यूब क्या है टी क्यूब प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स है टी स्क्वायर डी टी जिसको करते हैं ये आ जाएगा टी इंटू टी स्क्वायर है तो टी क्यूब डायरेक्टली लिख देते हैं और इंटू टी क्यूब प्लस वन डी ये बन जाएगा t की पावर सिक्स प्लस t क्यूब डी टी इनको सेपरेट करते हैं t की पावर सिक्स डी टी प्लस t की पावर थ्री डी टी अब इनको इंटीग्रेट करके आ जाएगा t की पावर सेवन अपॉन सेवन प्लस t की पावर फोर अपॉन फोर प्लस सी अब t को एक्स से रिप्लेस करेंगे t क्यूब है एक्स क्यूब माइनस वन तो t क्या हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ x क्यूब माइनस वन तो एक्स क्यूब माइनस वन की पावर वन बाई थ्री और इंटू सेवन हो रही पावर और तो सेवन बाई थ्री हो जाएगी पावर अपॉन सेवन प्लस एक्स क्यूब माइनस वन की पावर वन बाई थ्री की पावर फोर तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी फोर बाई थ्री हो जाएगी पावर अपॉन फोर प्लस सी तो ये आपका आंसर आ गया ना क्वेश्चन नंबर थर्टीन आपको इंटीग्रेट करना एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस थ्री एक्स क्यूब होल क्यूब डी एक्स अब इसमें हम ऑब्जर्व करें यहाँ पे क्या है एक्स क्यूब है तो इस पूरे को अगर हम टी एज्यूम करें तो इसका डिफ्रेंशिएशन एक्स स्क्वायर के टर्म्स में आएगा और एक्स स्क्वायर यहाँ पर प्रजेंट है तो इसको टी एज्यूम कर लेते हैं लेट टू प्लस थ्री एक्स क्यूब इक्व टू टी तो इसको डिफेंशिएट कर देते हैं ये तो ज़ीरो आ जाएगा और थ्री इंटू थ्री एक्स स्क्वायर मीन्स नाइन एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्व टू डी टी और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्व टू डी टी अपॉन नाइन गया तो अब इंटीग्रल क्या बनेगा एक्स स्क्वायर डी एक्स तो ये दोनों टर्म्स को रिप्लेस कर देंगे डी टी बाई नाइन से अब वन बाई नाइन तो कॉन्स्टेंट है बाहर चला जाएगा और डी टी अंदर और वन अपॉन ये वाला टर्म क्या है टी की पावर थ्री तो टी की पावर थ्री आ जाएगा तो इंटीग्रेशन क्या है वन अपॉइंट नाइन इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर माइनस थ्री डी टी और टी की पावर माइनस थ्री का इंटीग्रेशन क्या आएगा इसमें अगेन एन क्या है माइनस थ्री तो एन प्लस वन माइनस टू अपॉन माइनस टू ये आ जाएगा तो ये बनेगा वन बाई नाइन टी की पावर माइनस टू पहले कॉन्स्टेंट माइनस वन पॉइंट टू और टी की पावर माइनस टू में डिनोमीटर में टी स्क्वायर प्लस सी अब टी क्या है टू प्लस थ्री एक्स क्यूब रिप्लेस कर देते हैं माइनस वन बाई एटीन ये कॉन्स्टेंट तो ये आ गया और टी क्या है टू प्लस थ्री एक्स क्यूब टू प्लस थ्री एक्स क्यूब का होल स्क्वायर प्लस सी ये आपका आंसर आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टीन इसमें आपको इंटीग्रेट करना है वन अपॉन एक्स इंटू लॉग एक्स की पावर एम डी एक्स तो इसमें हम अगर ऑब्जर्व करें तो लॉग एक्स को अगर हम टी लेते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा वन बाई एक्स और वन बाई एक्स यहाँ पर प्रेजेंट है तो लॉग एक्स को टी ले लेते हैं लेट लॉग एक्स इक्स टू टी और डिफ्रेंशिएट करें तो वन बाई एक्स डी एक्स टू डी टी तो वन बाई एक्स डी एक्स कन्वर्ट हो गया और लॉग एक्स वाला टर्म भी कन्वर्ट हो जाएगा टी में तो इंटीग्रेशन क्या बनेगा वन बाई एक्स डी एक्स ये बन जाएगा डी टी अपॉन लॉग एक्स की पावर एम लॉग एक्स क्या है टी तो टी की पावर एम तो टी में कन्वर्ट हो गया पूरा इसको लिख सकते हैं टी की पावर माइनस एम डी टी अब ये वेरिएबल की पावर कुछ कांस्टेंट है एम तो कांस्टेंट ही है तो इसको हम कैसे करेंगे इंटीग्रेट टी की पावर एन के टाइप से टी की पावर एम प्लस वन अपॉन एन प्लस वन अब एन क्या है यहाँ पे माइनस एम तो इसका इंटीग्रेशन आएगा टी की पावर माइनस एम प्लस वन अपॉन माइनस एम प्लस वन और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी अब टी के प्लेस में एक्स का टर्म लिखेंगे ये क्या है लॉग एक्स तो टी के प्लेस में लॉग एक्स सब्स्यूट कर देते हैं लॉग एक्स की पावर माइनस एम प्लस वन अपॉन माइनस एम प्लस वन प्लस सी ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन इसमें आपको इंटीग्रेट करना है एक्स अपॉन नाइन माइनस फोर एक्स स्क्वायर डी एक्स इसमें हम अगर डिनोमीटर को टी एज्यूम करें तो एक्स स्क्वायर वाली पावर है तो इसको डिफेंशिएट करके एक्स की पावर वन आ जाएगा तो एक्स डी एक्स टाइप कुछ बनेगा किसी कॉन्स्टेंट के साथ और यहाँ पर एक्स डी एक्स है तो हम एज्यूम कर लेते हैं नाइन माइनस फोर एक्स स्क्वायर को टी लेट नाइन माइनस फोर एक्स स्क्वायर इक्व टू टी और करें तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा माइनस फोर इंटू टू एक्स डी एक्स इक्व टू डी टी अब यहाँ पे एक्स डी एक्स है तो एक्स डी एक्स इक्व टू डी टी अपॉन ये क्या हो जाएगा माइनस एट तो यहाँ पे माइनस एट क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक्स डी एक्स टी के टर्म्स में लिख सकते हैं तो इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा एक्स डी एक्स इसके प्लेस पे माइनस वन अपॉन एट ये कांस्टेंट है तो बाहर आ गया इंटू डी टी अपॉन नाइन माइनस फोर एक्स स्क्वायर ये क्या है टी है तो ये बना माइनस वन बाई एट और इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई टी ये हो जाएगा लॉग मॉड टी प्लस सी अब आपको आंसर एक्स के टर्म्स में देना है तो टी के प्लेस पे सब कर देंगे नाइन माइनस फोर एक्स स्क्वायर तो यह आ जाएगा माइनस वन बाई एट लॉग मॉड नाइन माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस सी ये आपका आंसर आ गया अब क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन सॉल्व करते हैं इसमें इंटीग्रेट करना है ई की पावर टू एक्स प्लस थ्री को तो इसमें ई की पावर कुछ है और और कोई फंक्शन नहीं है तो टू एक्स प्लस थ्री को ही अज्यूम करना पड़ेगा तो लेट टू एक्स प्लस थ्री इक्व टू टी और डिफेंशिएट करके आ जाएगा टू डी एक्स इक्व टू डी टी तो ये डी एक्स हम टी के टर्म्स में पुट कर सकते हैं और इसको भी हम टी के टर्म्स में पुट कर देंगे ई की पावर टी आ जाएगा तो डीएक्स इक्वल टू डी टी बाई टू तो इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा e की पावर टू एक्स प्लस थ्री वो है t और dx के प्लेस में dt टी बाई टू तो वन अपॉइंट टू बाहर आ गया तो वन अपॉइंट टू और e की पावर t का इंटीग्रेशन क्या होगा e की पावर t ही हो जाएगा प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c अब आंसर को x के टॉर्म्स में लिखना है तो वन बाई टू ए की पावर t के प्लेस में टू एक्स प्लस थ्री प्लस सी ये आपका आंसर आ गया ना क्वेश्चन नंबर सेवनटीन इसमें इंटीग्रेट करना है आपको एक्स अपॉन ई की पावर एक्स स्क्वायर को तो हम ऑब्जर्व करें एक्स स्क्वायर को अगर हम टी लेते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन डिफ्रेंशिएशन आएगा टू एक्स डी एक्स और एक्स डी एक्स यहाँ पर प्रेजेंट है तो एक्स स्क्वायर को टी ले लेते हैं लेट एक्स स्क्वायर इक्व टू तो यहाँ से आ जाएगा टू एक्स डी एक्स टू डी टी अब यहाँ पे पर एक्सडीएक्स प्रेजेंट है तो एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई टू तो इंटीग्रेशन बन जाएगा इंटीग्रेशन एक्स एक्स क्या है डी टी बाई टू तो डीटी और वन अपॉन टू कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ गया अपॉन ई की पावर एक्स स्क्वायर तो ई e की पावर टी तो ये हो जाएगा वन अपॉन टू ई की पावर माइनस टी डी टी यह आ गया अब स्टिल ये कोई स्टैंडर्ड आपका नहीं बना इंटीग्रेशन e की पावर माइनस टी है तो माइनस टी को अगर हम u ले लें तो e की पावर u आ जाएगा और जिसका आपको इंटीग्रेशन पता है तो हम इसमें सेकेंड सब्स्यूशन करेंगे t को माइनस टी को पुट कर देंगे u के इक्वल तो डिफेंशिएट करके क्या आ जाएगा माइनस डी टी इक्व टू डी यू और ये डी टी क्या बन जाएगा डी टी टू माइनस ऑफ डी यू तो इंटीग्रेशन क्या बनेगा हाफ ऑफ इंटीग्रेशन ई e की पावर माइनस टी माइनस टी है यू और डी टी क्या है माइनस डी यू तो डी यू आ गया और माइनस साइन कॉन्स्टेंट है तो बाहर चला गया माइनस वन है अब ई e की पावर यू डी यू ये इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा e की पावर यू प्लस ऑफ इंटीग्रेशन सी अब आपको आंसर फाइनल क्या देना है एक्स के टर्म्स में देना है तो पहले सब शूट करेंगे यू को u के टर्म्स में यू क्या है माइनस टी है तो ये पुट कर देते हैं ए e की पावर माइनस टी प्लस सी अब हमने दो बार सब्स्यूशन किया है तो इसको अगेन x के टर्म्स में सब्सूट करना पड़ेगा t क्या लिया था हमने एक्स स्क्वायर तो t के प्लेस में एक्स स्क्वायर फुट कर देते हैं माइनस हाफ e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी अब यह आपका आंसर x के टर्म्स में आ गया और t और u सारे वेरिएबल गायब हो गए एलिमिनेट कर दिया उनको तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर एटीन इसमें इंटीग्रेट करना है आपको e की पावर टेन इनवर्स एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर को अब यहाँ पर हम देखें वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर ये होता है डिफेंशिएशन किसका टेन इनवर्स एक्स का और टेन इनवर्स एक्स भी प्रेजेंट है यहाँ पे या फिर रिवर्स वे में देखें तो टेन इनवर्स एक्स को अगर हम टी लें तो उसका डिफेंशिएशन वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर वो भी प्रेजेंट है तो हम टेन इनवर्स को टी ले लेते हैं लेट टेन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू टी तो डिफरेंशिएट करने तो वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्व टू डी टी तो अब इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा e की पावर टेन इनवर्स x वो क्या है t है और वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इतना टर्म ये क्या है dx के इक्वल है dt के इक्वल है तो ये आ गया dt अब इसका इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा e की पावर t प्लस कॉन्सटेंट ऑफ इंटीग्रेशन c तो e की पावर क्या है टी कॉले टेन इनवर्स एक्स के और आंसर आपको एक्स के टर्म्स में देना है तो रिप्लेस कर देते हैं इसको टेन इनवर्स एक्स है प्लस सी तो ये आपका आंसर आ गया ना क्वेश्चन नंबर नाइनटीन आपको इंडिकेट करना है ए की पावर टू एक्स माइनस वन अपॉन ए की पावर टू एक्स प्लस वन को तो इसमें हम देखें अगर हम डिनोमिनेटर को टी ले लेते हैं ए की पावर टू एक्स प्लस वन को ज्यूम किया तो उसको डिफेंशिएट करके क्या आएगा ई e की पावर टू एक्स और चेन रूल से टू एक्स को डिफेंशिएट करके टू आ जाएगा डी एक्स इक्व टू डी टी अब ई e की पावर टू एक्स यहाँ पर प्लस माइनस में वन है अगर यहाँ कुछ मल्टीप्लीकेशन कुछ कॉन्सटेंट होता तब तो ठीक था बट यहाँ पर माइनस वन आ जा रहा है तो ई e की पावर टू एक्स डीएक्स माइनस डीएक्स और है अब उसका क्या करेंगे इसलिए हमें इसको टी एज्यूम करके क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा तो इसमें कुछ और करना पड़ेगा तो उसके लिए हम पहले इसको मॉडिफाई करते हैं कैसे अब हम इसको जो फंक्शन है गिवन जिसको इंटीग्रेट करना है इसको हम e की पावर x से डिवाइड कर देते हैं न्यूमरेटर को भी और डिनोमेटर को भी डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई e की पावर x देखते हैं क्या बनेगा इंटीग्रेशन e की पावर 2x एक्स माइनस वन अपॉन ई की पावर x होल अपॉन e की पावर 2x एक्स प्लस वन अपॉन ई की पावर x dx ये इंटीग्रेशन आया अब e की पावर 2x एक्स अपॉन ई की पावर x ये हो जाएगा e की पावर x पावर्स क्या हो जाएंगी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी माइनस वन अपॉन ई की पावर x मीन्स e की पावर माइनस एक्स अपॉन डिनोमीटर में e की पावर 2x एक्स अपॉन ई की पावर x ये क्या बन जाएगा e की पावर x पावर्स क्या हो जाएंगी सब्ट्रैक्ट प्लस वन अपॉन ई की पावर x मीन्स ई की पावर माइनस एक्स डी तो क्वेश्चन आपका ऐसे कन्वर्ट हो गया अब हम देखें e की पावर x प्लस ई की पावर माइनस एक्स को t लेके देखें e की पावर x प्लस ई की पावर माइनस एक्स ईक्स टू टी एज्यूम अगर हम करें तो क्या आएगा इसको डिफेंशिएट करें e की पावर x का डिफेंशिएशन e की पावर x और e की पावर माइनस एक्स का डिफेंशिएशन e की पावर माइनस एक्स और चेन रूल से माइनस एक्स को डिफेंशिएट करेंगे तो माइनस वन तो e की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स ये बन जाएगा डी टी अब ये जो टर्म है ये हमारे न्यूमनेटर में प्रेजेंट है ये पूरा का पूरा डी एक्स इसको हम डी टी लिख सकते हैं न्यूमनेटर को और डिनोमिनेटर को टी लिख सकते हैं मीन्स पूरा का पूरा टी के टर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगा तो कर देते हैं फिर इसको यूज लेट ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स इक्व टू टी इसको डिफेंशिएट करके ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स इक्वस टू डी टी तो यहाँ से इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स डी एक्स ये है क्या dt है अपॉन e की पावर x प्लस ई e की पावर माइनस एक्स ये क्या है t है अब ये पूरा t में कन्वर्ट हो गया तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा log mod t प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c अब आंसर x के में देना है तो t के प्लेस में क्या पुट कर देंगे e की पावर x प्लस ई e की पावर माइनस एक्स तो आ जाएगा log mod ऑफ e की पावर x प्लस ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी यह आपका आंसर आ गया न क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी इसमें इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर टू एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस टू एक्स अपॉन ई टू द पावर टू एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस टू एक्स इसको इंटीग्रेट करना है आपको इसमें अगर हम देखें ये डिनोमीटर को अगर हम टी एज्यूम करते हैं लेट ई टू द पावर टू एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस टू एक्स इक्व टू टी इसको टी एज्यूम किया तो इसको डिफेंशिएट करके देखते हैं ई e की पावर टू एक्स और चेन रूल से टू एक्स को डिफेंशिएट करके टू आ जाएगा प्लस ई e की पावर माइनस टू एक्स और माइनस टू एक्स को डिफेंशिएट करके माइनस टू आ जाएगा तो यहाँ पे माइनस टू पुट कर देते हैं और डी एक्स इक्वल्स टू डी टी अब इसमें से अगर हम टू कॉमन ले लें टू ई टू द पावर टू एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस टू एक्स डी एक्स इक्व टू डी टी अब ये वाला पार्ट हमारे जो गिवन फंक्शन है इस पूरे का न्यूमरेटर आ रहा है तो मीन्स ये पूरे न्यूमरेटर डी टी में कन्वर्ट हो जाएगा टी में और डिनोमेटर भी डिनोमीटर को टी एज्यूम किया है तो डिनोमीटर भी टी में आ जाएगा तो पूरा इंटीग्रेशन टी में आ सकता है तो फर्स्ट ये टू को ट्रांसफर कर देते हैं ई e की पावर टू एक्स माइनस ई की पावर माइनस टू एक्स डी एक्स इक्व टू डी टी बाई टू यह आ गया तो इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा इंटीग्रेशन पूरा न्यूमनेटर क्या है डी टी बाई टू है तो वन बाई टू को बाहर लिख लिया कांस्टेंट है और डी टी अपॉन ई की बार टू एक्स प्लस इकी बार माइनस टू एक्स वो क्या है टी है तो वन अपॉन टी आ गया तो हाफ इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई टी क्या आ जाएगा लॉग मॉट टी प्लस कॉन्सटेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी अब टी के प्लेस में एक्स वाला एक्सप्रेशन रख देंगे क्या है ई e की पावर टू एक्स प्लस ई e की पावर माइनस टू एक्स तो यह आ जाएगा हाफ लॉग मॉड ई e की पावर टू एक्स प्लस ई e की पावर माइनस टू एक्स प्लस, प्लस, प्लस सी यह आपका आंसर आ गया नॉ नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन इसमें इंटीग्रेट करना है टेन स्क्वायर टू एक्स माइनस थ्री को तो इसमें फर्स्ट टू एक्स माइनस थ्री को टीज्यूम करते हैं और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं तो लेट टू एक्स माइनस थ्री इक्वल्स टू टी और इसको डिफरेंशिएट भी कर देते हैं टू डी एक्स टू डी टी तो यहाँ से डी एक्स क्या गया डी टी अपॉन टू मीन्स हाफ डी टी अब इंटीग्रल क्या बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वायर टी और डी एक्स क्या है हाफ डी टी तो हाफ बाहर आ गया और डी टी अंदर है तो अब ये थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया और पूरा टी के फॉर्म में आ गया अब टेन स्क्वायर टी का डायरेक्ट कोई इंटीग्रेशन नहीं होता तो इसके लिए हम क्या करते हैं टेन स्क्वायर को सेक स्क्वायर माइनस वन लिख लेते हैं सेक स्क्वायर टी माइनस वन टेन स्क्वायर टी होता है सेक स्क्वायर टी माइनस वन आइडेंटिटी होती है ये और सेक स्क्वायर टी का आपको इंटीग्रेशन पता है टेन टी और वन का इंटीग्रेशन पता है टी डी टी अब इनको सेपरेट कर लेते हैं हाफ इंटीग्रेशन ऑफ सेक्सक्वायर टी डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वन डी टी तो हो जाएगा हाफ सेक्स स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन टेन टी माइनस वन का इंटीग्रेशन टी प्लस सी प्लस सी को बाहर लिख लेते हैं उससे कोई इशू नहीं होगा अब टेन टी आपको आंसर क्या चाहिए एक्स के टर्म्स में और टी क्या है टू एक्स माइनस थ्री तो सब कर देते हैं हाफ टेन टू एक्स माइनस थ्री माइनस हाफ इसमेंट होगा तो हाफ टी हाफ और टी है टू एक्स माइनस थ्री प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी ये आपका आंसर आ गया और इसको हम फर्दर मॉडिफाई कर सकते हैं ये हो जाएगा हाफ टेन टू एक्स माइनस थ्री और हाफ को डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो माइनस एक्स प्लस थ्री बाई टू प्लस सी अब सी क्या है आर्बिटरी कॉन्स्टेंट है और थ्री बाई टू भी कॉन्स्टेंट है तो इन दोनों को मिला के भी कोई भी आर्बिटरी वैल्यू ले सकता है कॉन्स्टेंट वैल्यू तो इन दोनों को कंबाइन करके भी हम सी लिख सकते हैं तो इसमें आ जाएगा हाफ टेन टू एक्स माइनस थ्री माइनस एक्स प्लस सी या आपको समझ नहीं आता तो इसमें मतलब मुश्किल है समझने में तो इसको सी टू भी लिख सकते हैं और ये आंसर आ जाएगा ना क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू ये इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर सेवन माइनस फोर एक्स डी एक्स अब आपको सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पता है अगर अंदर एक्स होता तो आप डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते थे बट यहाँ पे क्या है सेवन माइनस फोर एक्स तो इसको पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं और सेवन माइनस फोर एक्स को टी एज्यूम कर लेते हैं एट सेवन माइनस फोर एक्स टू टी तो डिफेंशिएट करेंगे तो माइनस फोर डी एक्स टू डी टी और डी एक्स है यहाँ पर तो डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई माइनस वन बाई फोर डी टी और इस पोर्ट करते हैं इंटीग्रेशन में तो ये बन जाएगा इंटीग्रल से स्क्वायर सेवन माइनस फोर एक्स तो टी है तो सेक स्क्वायर टी आ गया और डी एक्स है माइनस वन बाई फोर डी टी तो डी टी अंदर लिख लिया और माइनस वन बाई फोर इंटीग्रेशन के बाहर क्योंकि कॉन्स्टेंट है ये तो माइनस वन बाई फोर सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन क्या आएगा टी के रिस्पेक्ट में टेन टी प्लस सी तो ये हो जाएगा माइनस वन बाई फोर ठीक है सेवन माइनस फोर एक्स तो टेन सेवन माइनस फोर एक्स माइनस सी बाई फोर अगेन ये आर्बिटेरी कॉन्स्टेंट है इसको सी टू रज्यूम कर सकते हैं या फिर मुश्किल है तो इसको सी अगेन लिख सकते हैं सी या फिर सी टू कुछ भी लिख सकते हैं इसको कोई भी आर्बिटेरी कांस्टेंट है जो कि कोई भी रियल वैल्यू ले सकता है तो ये आ जाएगा माइनस टेन सेवन माइनस फोर एक्स और वन बाई फोर भी है प्लस सी और ये आपका आंसर आ जाएगा ना क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स तो इसमें अगर हम देखें साइन इनवर्स एक्स को अगर हम टी एज्यूम करें तो इसका डिफेंसिएशन होता है वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अब वो यहाँ पे प्रेजेंट है यहाँ डी टी में आ जाएगा ये वाला टर्म तो हम आज्यूम कर लेते हैं साइन वर्स एक्स को टी लेंट साइन इनवर्स एक्स इक्व टू टी तो डिफेंशिएट करके वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्व टू डी टी तो इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा साइन वर्स एक्स तो क्या है टी है और डी एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स ये दोनों टर्म किस में कन्वर्ट हो जाएंगे डी टी में तो टी डी टी आ गया डायरेक्टली अब टी का इंटीग्रेशन टी डी टी के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा टी स्क्वायर बाई टू प्लस सी और टी के प्लेस में क्या पुट कर देंगे साइन इनवर्स एक्स तो ये हो जाएगा हाफ साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस सी ये आपका आंसर आ जाएगा ना क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर यह इंटीग्रेशन ऑफ टू कॉस एक्स माइनस थ्री साइन एक्स अपॉन सिक्स कॉस एक्स प्लस फोर साइन एक्स डी एक्स तो इसको इंटीग्रेट करना है आपको तो अब देखते हैं डिनोमिनेटर को अगर हम टी एज्यूम करें तो क्या आएगा सिक्स कॉस एक्स प्लस फोर साइन एक्स इसको अगर हम टी एज्यूम करते हैं तो इसको डिफेंशिएट करके देखते हैं डिफेंशिएशन क्या आएगा ये हो जाएगा माइनस सिक्स साइन एक्स प्लस फोर कॉस एक्स डी एक्स इकॉस टू डी टी अब यहाँ से हम टू कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ से टू कॉमन लिया तो माइनस थ्री साइन एक्स प्लस टू कॉस एक्स डी एक्स ई टू कितना डी टी और ये वाला टर्म इतने टर्म्स क्या हैं डिनोमीटर आपके गिवन फंक्शन के न्यूमिनेटर में प्रेजेंट हैं तो अगर हम टू को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये पूरा टर्म क्या बन जाएगा डी टी अपॉन टू और ये क्या हो जाएगा टी तो सारे एक्स एलिमिनेट हो जाएंगे पूरा इंटीग्रेशन टी के टर्म्स में आ जाएगा तो इसलिए हम इसको सब्सट्यूट कर देते हैं डिनोमीटर को t मान लेते हैं लेट सिक्स कॉस एक्स प्लस फोर साइन एक्स इक्वस टू टी तो डिफेंशिएट करके आ जाएगा माइनस सिक्स साइन एक्स प्लस फोर कॉस एक्स डी एक्स इक्वस टू डी टी और यहाँ से टू कॉमन लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा माइनस थ्री साइन एक्स प्लस टू कॉस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू वन बाई टू डी टी तो इंटीग्रेशन देखते हैं क्या बनेगा ये वाला पूरा पार्ट क्या है ये न्यूमरेटर है पूरा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें हाफ डी टी तो हाफ बाहर आ गया और डी टी और डिनोमीटर में क्या है डिनोमीटर में टी सेल्फ है तो टी आ गया तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा हाफ लॉग मॉट टी वन बाई टी का इंटीग्रेशन लॉग मॉड टी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी आ जाएगा आंसर में क्या चाहिए हमें एक्स चाहिए तो टी के प्लेस में सिक्स कॉस एक्स प्लस फोर साइन एक्सपोर्ट कर देते हैं तो यह आ जाएगा हाफ लॉग मॉड के अंदर सिक्स कॉस एक्स प्लस फोर साइन एक्स प्लस सी तो ये आपका आंसर आ जाएगा और चाहे तो इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर सकते हैं यह आ जाएगा हाफ लॉग इनमें से टू कॉमन ले सकते हैं मॉड में टू इंटू थ्री कॉस एक्स प्लस टू साइन एक्स प्लस सी अब ये लॉग ए इंटू बी टाइप फॉर्मला है लॉग ए इंटू बी ए क्या है टू और बी ये वाला फैक्टर है इसको लिख सकते हैं हम लॉग ए प्लस लॉग बी ये प्रॉपर्टी होती है लॉग की तो इसको हम सेपरेट करते हैं इसी लॉग हाफ लॉग टू प्लस लॉग मॉड अब ये मॉड टू या टू लिखें एक ही बात है तो आ जाएगा मॉड थ्री कॉस एक्स प्लस टू साइन एक्स प्लस सी तो ये बनेगा हाफ ऑफ लॉग टू अब ये तो कोई कांस्टेंट वैल्यू ही होगी हो पहले लिख लेते हैं हाफ ऑफ लॉग टू प्लस हाफ ऑफ लॉग मॉड थ्री कॉस एक्स प्लस टू साइन एक्स प्लस सी अब ये कोई कांस्टेंट वैल्यू है और ये एक आर्बिटरी कांस्टेंट है तो इनको कंबाइन करके कोई आर्बिट्री कांस्टेंट लिख सकते हैं ना यार सी टू या सी कुछ भी लिख लें तो आ जाएगा हाफ लॉग मोर थ्री कॉस एक्स प्लस टू साइन एक्स प्लस सी ये भी आपका आंसर आ जाएगा ये दोनों ही आंसर वैलिड हैं ये भी सही है और ये भी सही है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव तो इंटीग्रेट करना है वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स वन माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स अब इसमें कोई डायरेक्टली हम फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते तो देखते हैं कोई किसी वैल्यू को हम टी लेके डी टी बना सकते हैं या नहीं तो अगर हम वन माइनस टेन एक्स को टी एज्यूम करें तो इसका डिफेंसिएशन क्या आएगा माइनस सेक स्क्वायर एक्स अब यहाँ पे वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स मीन्स सेक स्क्वायर एक्स की वन है तो मीन्स ये टी बन जाएगा और ये वाला पार्ट डी टी में चला जाएगा तो पहले इसको मॉडिफाई करते, है। तो करते हैं वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स लिख लेते हैं अपॉन वन माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स तो वन माइनस टेन एक्स को टी आज्यूम करते हैं लेट वन माइनस टेन एक्स टू टी तो इसको डिफेंशिएट करके क्या आएगा माइनस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्व टू डी टी अब सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स तो यहाँ पे न्यूमरेटर में प्रेजेंट है तो माइनस को शिफ्ट कर देते हैं पहले सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्व टू माइनस डी टी तो इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इसके प्लेस में माइनस डी टी तो माइनस कॉन्स्टेंट है तो बाहर और डी टी अपॉन वन माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर मीन्स वन माइनस टेन एक्स क्या है टी है तो अपॉन टी स्क्वायर तो यह है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर माइनस टू टी टी और टी की पावर एन का फॉर्मूला अप्लाई करें इसमें तो क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन टी की पावर एन प्लस वन मीन्स माइनस टू प्लस वन ये हो जाएगा माइनस वन अपॉन एन प्लस वन अगेन तो माइनस टू प्लस वन माइनस वन और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी तो एक इसके कॉल आ जाएगा माइनस और माइनस कैंसिल तो टी की पावर माइनस वन मीन्स वन अपॉन टी प्लस सी अभी आंसर तो टी के टर्म्स में आ गया आपको आंसर चाहिए किस में एक्स के टर्म्स में तो टी के प्लेस में क्या पुट कर देंगे वन माइनस टेन एक्स तो आ जाएगा वन अपॉन वन माइनस टेन एक्स प्लस सी ये आपका आंसर आ जाएगा अब क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स सॉल्व करते हैं यह है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स डी एक्स ये आपको फाइंड आउट करना है तो अगेन ये कोई स्टैंडर्ड आपका फॉर्मूला नहीं है तो इसमें अगर हम रूट एक्स को टी एज्यूम करें तो इसका डिफेंसीशन क्या आता है एक्स की पावर वन बाई टू का वन बाई टू एक्स की पावर माइनस वन बाई टू मीन्स वन बाई टू रूट एक्स डी एक्स इक्व टू डी टी अब वन बाई रूट एक्स यहाँ पर प्रजेंट है तो ये तो डी टी में कन्वर्ट हो जाएगा तो डी एक्स बाई रूट एक्स ये क्या हो जाएगा टू डी टी तो ये वाला पार्ट डी टी में कन्वर्ट हो जाएगा और ये वाला पार्ट कॉस टी में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये सब्सिट्यूशन ये सब्सिट्यूशन वैलिड है तो पुट कर देते हैं लेट अंडर रूट एक्स इक्व टू टी तो डिफेंशिएट करके वन अपॉन्ट टू अंडर रूट एक्स इक्व टू डी एक्स इक्व टू डी टी और dx अपॉन रूट एक्स ये क्या आ गया ट्वाइस ऑफ डी टी तो यहां पर इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा इंटीग्रेशन कॉस रूट एक्स और रूट एक्स क्या है टी तो कॉस टी और डी एक्स अपॉन रूट एक्स ये वाला पार्ट ये का नोट हो जाएगा ट्वाइस डी टी में तो डी टी अंदर और टू कॉन्सटेंट है तो बाहर लिख लेते हैं इसको अब इंटीग्रेशन ऑफ कॉस्ट t टी के रिस्पेक्ट में क्या जाएगा? साइन टी आ जाएगा t आ जाएगा ट्वाइस ऑफ t प्लस कॉन्सनेट ऑफ इंटीग्रेशन सी अब आंसर एक्स के टर्म्स में लाना है तो टी के प्लेस में अंडर रूट एक्सपोर्ट कर देते हैं टू साइन अंडर रूट एक्स प्लस सी ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट साइन टू एक्स इंटू कॉस टू एक्स डी एक्स अब इसमें साइन टू एक्स को ये क्या है रेडिकल में है अब रेडिकल वाले टर्म को साइन टू एक्स को अगर टी एज्यूम करें तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा कॉस टू एक्स इंटू टू तो ये वाला पार्ट डी टी में कन्वर्ट हो जाएगा तो एज्यूम कर लेते हैं लेट साइन टू एक्स इक्व टू टी तो उसको डिफेंशिएट करके आएगा कॉस टू एक्स और चेन रूल से टू एक्स को डिफेंशिएट करके टू डी एक्स इक्व टू डी टी तो कॉस टू एक्स इन डी एक्स ये वाला पार्ट इसमें है तो टू को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं कॉस टू एक्स डी एक्स इक्वास टू वन बाई टू डी टी तो इंटीग्रेशन देखते हैं क्या बनेगा इंटीग्रेशन अंडर रूट साइन एक्स साइन टू एक्स तो साइन टू एक्स क्या है टी है तो रूट टी इंटू कॉस टू एक्स इंटू डी एक्स ये क्या हो जाएगा हाफ डी टी तो डी टी अंदर और हाफ कॉन्स्टेंट है तो बाहर लिख लेते हैं तो ये योग हाफ इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर हाफ तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा टी की पावर हाफ प्लस वन बीन्स टी की पावर थ्री बाई टू अपॉन हाफ प्लस वन थ्री बाई टू टू न्यूमरीटर में चला जाएगा प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी और टू और टू कैंसिल हो गए तो आ गया टी की पावर थ्री बाई टू अपॉन थ्री प्लस सी और आंसर आपको चाहिए एक्स में तो टी के प्लेस में साइन टू पुट कर लेते हैं तो साइन टू एक्स की पावर थ्री बाई टू अपॉन थ्री मीन्स वन बाई थ्री प्लस सी ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट वन प्लस साइन एक्स डी एक्स अभी रूट में कुछ टर्म है इसको अगर हम टी देखें मेरेडिकल हमें रिमूव करना होता है तो अगर हम टी इसको ले लें ले या फिर टी स्क्वायर ले सकते हैं तो इसके डिफेंशिएशन में क्या आएगा कॉस एक्स आएगा और कॉस एक्स यहाँ पर प्रजेंट है मीन्स ये सब्सन हमारा वैलिड होगा तो कर लेते हैं लेट वन प्लस साइन एक्स इक्व टू टी या टी स्क्वायर भी ले सकते हैं कोई इशू नहीं है तो इसको डिफेंशिएट करते हैं तो क्या आएगा कॉस एक्स डी एक्स इक्व टू डी टी और ये वाला पार्ट क्या है यहाँ प्रेजेंट है पूरा तो इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा कॉस एक्स डी एक्स के प्लेस में तो डी टी आ जाएगा न्यूमरीटर में अपॉन अंडर रूट वन प्लस साइन एक्स तो अंडर रूट टी बन जाएगा ये तो इंटीग्रेशन है टी की पावर माइनस हाफ रूट में है और डिनोमीटर में है तो हाफ़ और माइनस तो माइनस हाफ हो गया डी टी तो इसमें टी की पावर एन के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगेगा तो ये क्या आ जाएगा टी की पावर एन प्लस वन माइनस हाफ प्लस वन हो जाएगा हाफ अप माइनस हाफ प्लस वन अगेन तो ये भी हाफ हो जाएगा तो वन और टू वन बाई टू ऐसे लिख देंगे प्लस कॉन्स्टेंट सी तो आंसर टी में चाहिए तो टी के आंसर एक्स में चाहिए तो टी के प्लेस में वन प्लस साइन एक्सपोर्ट कर देते हैं तो टू ये क्या है रूट टी है तो रूट वन प्लस साइन एक्स टी के प्लेस में वन प्लस साइन एक्स प्लस सी और ये आपका आंसर आ जाएगा ना क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन इसमें इंटीग्रेट करना है कॉट एक्स इंटू लॉग साइन एक्स लॉग ऑफ साइन एक्स डी इसको इंटीग्रेट करना है तो फर्स्ट इसमें क्या थिंकिंग रहेगी हमारी एक्स दिख रहा है लॉग के अंदर ये कोई स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं है तो एक्स को अगर हम टी लें तो इसका डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स डीएक्स इक्व टू डी टी अब यहाँ पे कॉस नहीं दिख रहा बट कॉट एक्स को हम कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स लिख सकते हैं तो इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स लॉग साइन एक्स अब ये सब्सिट्यूशन करेंगे तो क्या आएगा कॉस एक्स और डीएक्स ये वाला पार्ट कन्वर्ट हो जाएगा डी टी में लॉक साइन एक्स लॉक टी अपॉन टी साइन एक्स ए वाला टी बन जाएगा तो लॉक टी अपॉन टी डी टी अब हम देखें अगर लॉक टी को अगर हम नया वेरिएबल यू एज्यूम करें तो इसका डिफ्रेंसीशन क्या आएगा वन अपॉन टी और ये वाला भी प्रेजेंट है तो ये पूरा कन्वर्ट हो जाएगा डी यू में तो ये आ जाएगा यू डी यू और इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं तो मतलब दो बार सब करके आपका आंसर आ जाएगा तो इसको करते हैं फर्स्ट इसको लिख लेते हैं cos x upon sin x log sin x dx ये हमने लिख लिया और अज्यूम कर लिया लेट साइन एक्स इक्व टू टी तो यहां पर इसको डिफ्रेंशिएट करके आएगा कॉस एक्स dx इक्व टू डी टी अब इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा कॉस एक्स dx ये क्या हो गया ये वाला पार्ट तो डी टी में कन्वर्ट हो गया Log साइन एक्स मीन्स लॉग साइन एक्स क्या है टी अपॉन साइन एक्स साइन एक्स भी है टी तो log टी डी टी अपॉन टी अगेन ये कोई स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं है तो फिर से हमें सब्सक्रिप्शन करना पड़ेगा अब log टी का डिफेंसिएशन वन बाई टी आता है और ये यहाँ पर है तो हम अज्यूम करते हैं नाउ लेट log टी इक्वस टू यू यू हमारा एक एक और वेरिएबल नया अज्यूम किया हमने तो वन अपॉन टी डी टी इसको डिफ्रेंशिएट करके आएगा और राइट right साइड में डी यू तो इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा इंटीग्रेशन log टी log टी क्या है यू और डी टी अपॉन टी ये वाला पार्ट ये हो जाएगा डी यू तो यू डी यू इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा यू स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी यू की पावर वन है तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा यू की पावर वन प्लस वन मीन्स टू अपॉन वन प्लस वन टू तो ये आ क्या अब आंसर आपको क्या चाहिए एक्स में तो फर्स्ट यू को कन्वर्ट करेंगे टी में क्योंकि यू और एक्स का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है कुछ तो यू को टी में कैसे कन्वर्ट कन्वर्ट करें, करेंगे यू को लॉग टी लिख देंगे तो लॉग टी का होल स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी ये आ गया नेक्स्ट टी को एक्स के टर्म्स में लिखेंगे टी के प्लेस में साइन एक्स तो इसको लिख लेते हैं लॉग साइन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी ये आपका आंसर आ गया अब इसी क्वेश्चन को एक अलग मेथड से करते हैं मेथड टू ये इंटीग्रेशन ऑफ कॉटेक्स लॉग साइन एक्स अब पिछले मेथड से हमें दो बार सब्सिट्यूशन करना पड़ा था एक बार टी और एक बार यू तो अगर हम लॉग साइन एक्स ये पूरे को ही ले लें पहले हमने क्या, क्या था? Sin x किया था साइनेक्स को ज्यूम किया टी और फिर लॉक टी को एज्यूम किया यू मीन्स लॉग साइन एक्स को हमने एज्यूम किया टी के प्लेस में साइन एक्स है, है तो लॉग साइन एक्स को अगर हम एज्यूम कर लें डायरेक्टली ही तो आप देखते हैं क्या बनेगा लेट लॉक साइन एक्स इक्वल्स टू टी ये हमने एज्यूम किया तो इसका डिफेंशिएशन क्या आएगा इसमें चेन रूल लगेगा लॉग साइन एक्स का वन अपॉन साइन एक्स इंटू चेन रूल से साइन एक्स को डिफेंशिएट करके आ जाएगा कॉस एक्स डीएक्स इक्व टू डी टी अब ये क्या है पूरा एक्स है कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स मीन्स कॉटेक्स डी एक्स इक्व टू डी टी है और ये वाला पार्ट यहाँ पे प्रजेंट है तो इंडिकेशन क्या बन जाएगा कॉटेक्स डीएक्स के प्लेस में डी टी और लॉग साइन एक्स के प्लेस में टी तो यहाँ पे डायरेक्टली टी डी टी आ गया और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा टी स्क्वायर बाई टू प्लस सी तो टी के प्लेस में क्या पुट कर देंगे लॉग साइन एक्स तो ये हो जाएगा लॉग साइन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी यही आंसर आया था पहले भी तो आपका आंसर मेथड टू से भी यही आ जाएगा ना क्वेश्चन नंबर थर्टी या इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स डी एक्स और इसमें वन प्लस कॉस एक्स को टी एज्यूम करें तो इसका डिफेंशिएशन माइनस साइन एक्स डी एक्स ये आएगा और साइन एक्स डी एक्स यहाँ पर प्रेजेंट है तो मीन्स वन प्लस कॉस एक्स को टी एज्यूम कर लेते हैं लेट वन प्लस कॉस एक्स इक्व टू टी तो इसको डिफेंशिएट करके आएगा माइनस साइन एक्स डीएक्स इक्वस टू डी टी और साइन एक्स डीएक्स यहाँ पर प्रेजेंट है तो साइन एक्स डीएक्स इक्वस टू माइनस डी टी तो इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा साइन एक्स डीएक्स के प्लेस में आ जाएगा माइनस डी टी तो माइनस साइन बाहर और डी टी अंदर और वन अपॉन वन प्लस कॉस एक्स ये क्या है टी तो वन अपॉन टी हो गया और वन अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा पहले तो माइनस साइन और वन अपॉन टी का इंटीग्रेशन लॉग मॉड टी लॉग मॉड टी प्लस सी अब टी के प्लेस में वन प्लस कॉस एक्सपोर्ट कर देते हैं ये आ जाएगा माइनस लॉग मॉड ऑफ वन प्लस कॉस एक्स प्लस सी ये आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्टी वन यह इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर डी तो इसको इंटीग्रेट करना है तो इसमें अगर हम वन प्लस कॉस एक्स को टी एज्यूम करें तो इसका डिफेंशिएशन आएगा माइनस साइन एक्स डी और साइन एक्स डी एक्स यहाँ पर प्रेजेंट है तो इसलिए हम वन प्लस कॉस एक्स को टी आज्यूम कर लेते हैं लेट वन प्लस वन प्लस कॉस एक्स इक्स टू टी तो इसका डिफेंसीशन माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्स टू डी टी अब यहाँ पे साइन एक्स डी एक्स है तो इसलिए साइन एक्स डी एक्स इक्वास टू माइनस डी टी तो इंटीग्रेशन कैसे कन्वर्ट हो जाएगा ये हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स ये वाला पार्ट हो जाएगा माइनस डी टी तो माइनस बाहर और डी टी अंदर अपॉन वन प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर और वन प्लस कॉस एक्स क्या है टी है तो अपॉन टी स्क्वायर तो ये बनेगा इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन टी की पावर माइनस टू डी टी तो इसमें टी की पावर एन वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो आएगा माइनस टी की पावर माइनस टू प्लस वन मीन्स माइनस वन अपॉन माइनस वन प्लस कॉन्सटेंट सी तो माइनस से माइनस कैंसिल तो टी की पावर माइनस वन हो गया वन अपॉन टी प्लस सी और आंसर एक्स में लाने के लिए टी के प्लेस में क्या पुट कर देंगे वन प्लस कॉस एक्स तो वन अपॉन वन प्लस कॉस एक्स प्लस सी यह आपका आंसर आ जाएगा ना क्वेश्चन नंबर थर्टी टू इसमें इंटीग्रेट करना है वन अपॉन वन प्लस कॉट एक्स डी एक्स अब इसमें क्या थिंकिंग रही हमारी अगर हम वन प्लस कॉट एक्स को टी एज्यूम करें वन प्लस कॉट एक्स इक्व टू टी तो कॉट एक्स का डिफ़रेंशिएशन क्या होता है माइनस कॉसैक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्व टू डी टी बट यहाँ पे कॉसैक्स स्क्वायर एक्स वाला कोई टर्म नहीं है तो मीन्स ये इस मेथड से तो नहीं हो पाएगा इसको अप्लाई नहीं कर सकते तो अब हम क्या करते हैं इसको साइन एक्स और कॉस एक्स में कन्वर्ट करते हैं देखते हैं क्या होगा वन अपॉन्ट यहाँ dx है वन प्लस कॉटेक्स हो गया कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स अब एलसीएम ले लेंगे तो क्या आएगा वन अपॉन ग्रोमीटर में साइन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डीएक्स ये साइनेक्स क्या आ जाएगा ऊपर न्यूमनेटर में पहुंच जाएगा ये तो यह हो जाएगा साइनेक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx तो अब यहाँ तक आ गए हम sin x और कॉस एक्स तक तो यहाँ पे क्या है न्यूमरेटर में साइन एक्स और कॉस एक्स वाले टर्म है cos x का क्वेश्चन यहाँ पे जीरो मेंज्यूम कर सकते हैं और डिनोमीटर में भी साइन एक्स और कॉस एक्स वाले टर्म्स हैं तो इन क्वेश्चन को कैसे करते हैं इसमें हम एज्यूम करेंगे न्यूमरेटर जो है मीन्स साइन एक्स इक्व टू कोई कॉन्सटेंट ए है ए टाइम्स डिनोमीटर डिनोमीटर क्या है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स यह हम अजीम कर रहे हैं तो लेट साइन एक्स मीन्स न्यूमरेटर यहाँ पे न्यूमरेटर आएगा इक्व टू ए टाइम्स ये क्या है डिनोमिनेटर है प्लस कोई कांस्टेंट बी टाइम्स बी टाइम्स क्या आएगा यहाँ पे अंदर आएगा डिनोमिनेटर का डैश मीन्स डिनोमिनेटर का डिफेंशिएशन और इसका डिफेंशिएशन क्या आएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस कोई कॉन्सटेंट सी तो ऐसे क्वेश्चन जब भी होंगे जिसमें न्यूमिनेटर में सिर्फ साइनेक्स और कॉस एक्स वाले टर्म है या फिर कॉन्स्टेंट टर्म्स भी हो सकते हैं और डिनोमिनेटर में भी साइनेक्स कॉस एक्स और कॉन्स्टेंट टर्म्स है तो कैसे करेंगे उसको न्यूमरेटर इक्वल्स टू कोई कॉन्स्टेंट टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस कोई दूसरा कॉन्स्टेंट टाइम्स डिनोमिनेटर का डिफेंसीशन प्लस कोई तीसरा कॉन्सटेंट अब इसमें क्या करना है हमें ये सारे कॉप्शन्स कंपेयर करने हैं कैसे साइन एक्स इक्वल्स टू अब राइट हैंड साइड में साइनेक्स वाले टर्म्स एक साथ क्लब कर लेंगे तो साइनक्स कॉमन आया तो ए यहाँ से और माइनस बी यहाँ से तो साइन एक्स इंटू ए माइनस बी सिमिलरली कॉसक्स वाले टर्म्स क्लब करेंगे तो कॉसक्स में यहाँ से ए आएगा यहाँ से बी तो ए प्लस बी और कॉन्सटेंट टर्म्स क्या है सी है अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कॉफिशेंस को कंपेयर कर लेंगे कंपेयरिंग कॉफिशियंट्स कंपेयरिंगफिशियस क्या साइन एक्स का ऑप्शन लेफ्ट हैंड साइड में क्या है वन और राइट हैंड साइड में ए माइनस बी तो ए माइनस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी वन सिमिलरली कॉस एक्स का ऑप्शन कम्पेयर करें लेफ्ट एंड साइड में कॉसक्स का कोई टर्म नहीं है राइट हैंड साइड में इसका कॉप्शन क्या है ए प्लस बी तो लेफ्ट हैंड साइड में कॉप्शन क्या मानेंगे जीरो और राइट हैंड साइड में क्या है ए प्लस बी तो ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी ज़ीरो सिमिलरली कॉन्स्टेंट टर्म्स जो हैं दोनों साइड में हम कंपेयर करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में कोई कॉन्स्टेंट टर्म नहीं है मीन्स लेफ्ट हैंड साइड में क्या है कॉन्सटेंट टर्म जीरो और राइट हैंड साइड में क्या है सी तो सी की वैल्यू तो जीरो डायरेक्टली आ गई अब ये दो लीनियर इक्वेशंस हैं ए और बी में इनको सॉल्व कर लेते हैं ए की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से माइनस बी इसको हम इक्वेशन नंबर वन ये इक्वेशन नंबर वन है इसको अपोट करते हैं तो माइनस बी माइनस बी इक्व टू वन तो माइनस टू भी इक्व टू वन और बी की वैल्यू क्या आ गई माइनस वन बाई टू सिमिलरली ए की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस बी मीन्स ए की वैल्यू क्या आ गई वन बाई टू तो ये आ गया अब इसमें ये वाली जो इक्वेशन है इसमें क्या बन जाएगा यहाँ से साइन एक्स इक्व टू ए टाइम साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ए क्या है हाफ मीन्स हाफ ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस बी टाइम्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस बी क्या है माइनस हाफ तो इसको लिख देते हैं माइनस हाफ माइनस हाफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस सी तो प्लस सी क्या है सी की वैल्यू जीरो है तो यहाँ पे और कुछ नहीं लिखते तो साइन एक्स जो न्यूमिनेटर वाला है उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं तो अब देखते हैं इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है नाउ इंटीग्रेशन क्या बनेगा साइन एक्स को लिख दिया हाफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस हाफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन अपॉन में क्या था साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और डी एक्स अब हम क्या करते हैं इन इस न्यूमरेटर के दो टर्म्स को अलग अलग करके लिख लेते हैं ये क्या आ जाएगा हाफ तो कॉन्स्टेंट है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ये क्या हो गया वन डी एक्स माइनस वन बाई टू ये कॉन्स्टेंट है और इंटीग्रेशन में क्या आएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डीएक्स अब ये वाला तो इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे हाफ वन डी क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा मीन्स हाफ इंटू एक्स माइनस हाफ इंटीग्रेशन क्या है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी अब इसको सॉल्व करना है तो इसको अगर हम टी एज्यूम करें साइन एक्स प्लस कॉस एक्स तो इसका डिफेंसिएशन क्या आएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और यही चीज़ न्यूमरीटर में है तो अगर ये टी है तो न्यूमरीटर क्या है डी है तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले इसको हम आई वन अजीम पर लेते हैं कोई नया इंटीग्रेशन लेट आई वन इसको इक्वेशन नंबर टू बोल देते हैं आई वन इक्व टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी अब इसको हम अलग से पहले इंटीग्रेट करते हैं तो इसमें हम एज्यूम करेंगे लेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स जो डिनोमीटर है इक्वल टू टी तो इसका डिफेंसीशन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वास टू डी टी तो आई वन क्या बन जाएगा आई वन इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स ये क्या है डी टी है अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स ये है टी तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग मॉड टी प्लस सी और टी के प्लेस में क्या लिख देंगे लॉग मॉड साइन एक्स प्लस कॉस एक्स यहाँ से प्लस कॉस एक्स प्लस सी तो ये आई वन आ गया तो इक्वेशन नंबर टू से देखते हैं क्या आएगा अब जो इंटीग्रेशन आपको चाहिए ये क्या है एक्स बाई टू माइनस हाफ एक्स बाई टू माइनस हाफ टाइम्स आई वन और ये आई वन क्या है आईवन ये है लॉग ऑफ मॉट साइनिक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी अब सी को माइनस आपसे मल्टीप्लाई करें या नहीं करें ये क्या है आर्बिट्री है तो इसको सी लिख सकते हैं तो ये आपका आंसर आ गया अब इस क्वेश्चन में ये जो आपको ट्रिक बताइए x को न्यूमरेटर को लिखने वाली ये वाली अगर इसको याद करना मुश्किल हो रहा है तो आप क्या करें इंटीग्रेशन क्या था साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इसको मेथड टू भी मान सकते हैं मेथड टू इंटीग्रेशन था साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डीएक्स तो इसमें क्या कर सकते हैं हम पहले हाफ से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया टू साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डीएक्स अब ये टू साइनस को कैसे मॉडिफाई करेंगे पहले एक तो डिनोमीटर वाला टर्म बना लें कैसे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हमने प्लस कॉसक्स एक्स्ट्रा लिखा है तो कॉश एक्स को सप्रैक्ट भी करना पड़ेगा तो यहाँ पे माइनस कॉस एक्स तो आएगा आए ही आएगा और यहाँ पे टू साइन एक्स था एक और साइन एक्स आना चाहिए प्लस साइन एक्स तो इसको ऐसे दो तरीके से डिवाइड कर लिया पहले क्या बनाया डिनोमीटर बना लिया सेकेंड जो भी बैलेंस करना था उसको बैलेंस कर लिया कैसे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है ओवरऑल क्या आना चाहिए न्यूमीटर टू साइन एक्स आना चाहिए तो साइन एक्स एक यहाँ पे आ गया तो एक साइन एक्स और आएगा यहाँ पे एक्स्ट्रा कॉस एक्स आया तो माइनस कॉस एक्स यहाँ पे आएगा और ये डी एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ऐसे भी कर सकते हैं इसको अब क्या बनेगा ये तो हाफ है अब न्यूमरेटर को ये दोनों टर्म अलग से लिख लेंगे अलग अलग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन वन प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉसेक्स डी एक्स अब इसके आगे इन दोनों को सेपरेट करेंगे वन का इंटीग्रेशन इजीली हो जाएगा नेक्स्ट वाले में साइन एक्स प्लस कॉश एक्स को अगर हम टी एज्यूम करें तो न्यूमरेटर में ऑटोमेटिकली डी बन जाएगा तो इसको आप आगे सॉल्व कर सकते हैं ये आपका इंटीग्रेशन कुछ ऐसा ही बनेगा जैसा हमारा ये बना था तो आप इसको आगे सॉल्व कर लीजिए ये आपका आंसर आ जाएगा अब क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री या इंटीग्रेशन वन अपॉन वन माइनस टेन एक्स डी इसमें अगर हम वन माइनस टेन एक्स को कुछ अज्यूम करें वन माइनस टेन एक्स इक्व टू टी तो इसका डिफ्रेंसिएशन आएगा माइनस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्व टू डी टी अब यहाँ पे सेक स्क्वायर का कोई टर्म नहीं है मीन्स ये वाला मेथड अप्लाई हम नहीं कर पाएंगे तो इसको क्या करते हैं जैसे लास्ट क्वेश्चन में क्या था साइन एक्स और कॉस एक्स में कन्वर्ट करते हैं तो आएगा इंटीग्रेशन वन अपोन वन माइनस साइन एक्स अपोन कॉस एक्स डी एक्स तो ये क्या बनेगा बन अपॉन बनपोन कॉशेक्स माइनस साइनेक्स ये एलसीएम लेके आएगा और एलसीएम वाला जो कॉशेक्स डिनोमीटर में है उसको न्यूमीटर में लिख देते हैं कॉशेक्स डीएक्स अब जैसे लास्ट क्वेश्चन में आया था न्यूमीटर में साइनेक्स कॉशक्स वाले टर्म्स हैं और डिनोमीटर में भी साइन एक्स और कॉशक्स वाले टर्म्स हैं तो इनको कैसे करते हैं दो मैथड हैं पहले जैसे ही करेंगे न्यूमीटर को क्या लिखेंगे नाउ लेट कॉस एक्स डिनोमीटर में जो है इक्वल टू ए टाइम्स डिनोमीटर मीन्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस कोई कॉन्सटेंट बी टाइम्स डिफेंशिएशन ऑफ डिनोमीटर ये क्या आ जाएगा माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस कोई कॉन्सटेंट सी ठीक है ए बी और सी आपके वेरिएबल्स आ गए इनको आपको निकालना है कैसे निकालेंगे कॉफिशेंट्स कंपेयर करके तो उसके लिए पहले कॉफिशंट्स को क्लब करते हैं कॉसक्स इक्व टू कॉश एक्स राइट हैंड साइड में इसके क्वेश्चन क्या है ए आ रहा है एक और माइनस बी यहाँ से आ रहा है ए माइनस बी साइन एक्स के ऑप्शन देखते हैं यहाँ से आएगा माइनस ए और यहाँ से माइनस बी तो माइनस ए माइनस बी प्लस कॉन्श टर्म सी है अब कंपेयर कर लेते हैं कॉप्शन्स को कॉस एक्स के कॉप्शन्स को कंपेयर करेंगे तो हाउ कंपेयरिंग कॉफिशेंट्स कंपेयरिंग फिशेंट्स तो कॉशिक्स का ऑप्शन यहां पे क्या है वन है और राइट हैंड साइड में ए माइनस बी तो एक इक्वेशन ही आ गई नेक्स्ट साइनक्स के ऑप्शंस लेफ्ट हैंड साइड में साइनक्स का कोई टर्म नहीं है मीन्स का क्या है जीरो राइट हैंड साइड में माइनस ए माइनस बी और कॉन्स्टेंट टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड में कोई कॉन्सटेंट टर्म नहीं मीन्स जीरो और राइट हैंड साइड में कॉन्सटेंट टर्म है सी तो यहां से सी की वैल्यू तो डायरेक्टली जीरो आ गई अब इन दोनों को सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू निकाल सकते हैं तो पहले इससे देखते हैं ए की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस ए की वैल्यू बी के इक्वल और या फिर ए की वैल्यू माइनस बी आ गई इसको सब्स कर देते हैं ये वाली इक्वेशन में वन इक्वल टू ए क्या है माइनस बी तो माइनस बी माइनस बी तो माइनस टू बी और बी की वैल्यू आ गई माइनस वन बाई टू और ए है माइनस बी के इक्वल तो ए आ जाएगा वन बाई टू तो ये वैल्यूज आ गई तो कॉस एक्स क्या बन गया कॉस एक्स इक्व टू ये था हमारे पास ए टाइम्स ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स मीन्स वन बाई टू ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस बी टाइम्स ऑफ माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बी क्या है माइनस हाफ ये हो जाएगा माइनस हाफ माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी और सी क्या है जीरो तो इसको लिख सकते हैं कॉस एक्स इक्वल टू वन बाई टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इन दोनों से माइनस कॉमन ले लिया तो ये बन जाएगा प्लस वन बाई टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अब इंटीग्रेशन देखते हैं इंटीग्रेशन क्या था हमारा कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स नाउ इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डीएक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अब इसमें न्यूमरेटर के कॉस एक्स को इस तरीके से लिख लेंगे क्या आ जाएगा हाफ ऑफ इंटीग्रेशन सॉरी पहले इंटीग्रेशन का साइन फिर हाफ ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस हाफ ऑफ साइन एक्स प्लस कॉश एक्स डीएक्स अपॉन पूरे के अपॉन में कॉश एक्स माइनस साइन एक्स तो ये आ गया अब इसमें न्यूमीटर को ब्रेक कर लेंगे अब इन दोनों से पहले हाफ कॉमन ले लेते हैं हाफ इंटीग्रेशन के बाहर ले लिया इंटीग्रेशन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स ये क्या हो गया वन डीएक्स प्लस इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डीएक्स इसका इंटीग्रेशन तो इजीली आ जाएगा इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा इसको हम अज्यूम कर लेते हैं इस पूरे टर्म को आई वन और इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर टू अज्यूम कर लेते हैं तो पहले आई वन कैलकुलेट करते हैं नाउ आई वन टू इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डीएक्स अब नेक्स्ट कॉस एक्स माइनस साइन एक्स को हम टी एज्यूम करते हैं लेट कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्व टू टी तो इसको डिफेंशिएट करके क्या आएगा माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डीएक्स इक्व टू डी टी अब इनमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और यही वाले टर्म यहाँ पे प्रेजेंट है तो माइनस ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डीएक्स इक्व टू डी टी और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डीएक्स इक्व टू माइनस डी टी आ गया तो आई वन क्या बन जाएगा देन आई वन इक्वल्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डीएक्स को माइनस डी टी लिख देते हैं तो माइनस डी टी न्यूमरेटर में अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स ये क्या है टी है तो आपका पूरा इंटीग्रेशन टी के टर्म्स में आ गया तो यह आ जाएगा माइनस वन अपॉन टी का इंटीग्रेशन लॉग मॉड टी प्लस सम आर्बिटरी कॉन्स्टेंट सी तो अब यह हो जाएगा माइनस लॉग मॉड टी टी क्या है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस सी तो आई वन आ गया हमें निकालना क्या है इक्वेशन नंबर टू निकालना है टू क्या आ जाएगा टू से आ जाएगा आपका रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन ये बनेगा हाफ इंटीग्रेशन वन डी एक्स ये तो एक्स बन जाएगा तो जाएगा हाफ ब्रैकेट में एक्स प्लस आई वन तो आई वन के प्लेस में ये पुट कर देते हैं ये हो जाएगा माइनस लॉग मॉड कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस सी तो इसको हाफ को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं एक्स बाई टू माइनस वन बाई टू लॉग मॉड कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस सी बाई टू और सी बाई टू लिखे या सी लिखे कोई इशू नहीं है इसमें और ये आपका आंसर आ जाएगा अब अगेन जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था अगर ये वाले पार्ट में कुछ प्रॉब्लम है आपको न्यूमेटर को जैसे हम लिख रहे हैं कॉन्ट्रेंट ए बी और सी मान के तो आप क्या करें यहां से कंटिन्यू करते हैं देखते हैं कैसे करेंगे कॉसेक्स अपॉन कॉसेक्स माइनस साइन एक्स ये अलग मेथड है मेथड टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डीएक्स ये है तो इसको पहले हाफ से और डिवाइड करते हैं ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डीएक्स अब इसमें क्या करना है जैसे लास्ट क्वेश्चन में क्या था हाफ तो बाहर है इंटीग्रेशन पहले न्यूमीटर में डिनोमीटर को लिख कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और रेस्ट जो रिमेनिंग है उसको बैलेंस कर देंगे कैसे करेंगे यहाँ पे टू एक्स था और यहाँ पे एक कॉस एक्स आया तो यहाँ पे हमें एक कॉस एक्स एड करना पड़ेगा और यहाँ माइनस साइन एक्स एक्स्ट्रा लिखा है तो यहाँ पे प्लस साइन एक्स इसको बैलेंस करने के लिए एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा अपॉन में क्या है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स तो ये क्या बन जाएगा हाफ इंटीग्रेशन अब ये न्यूम्रेटर को अलग अलग लिखेंगे दो टर्म्स में कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स तो ये वन हो गया dx प्लस इंटीग्रेशन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डीएक्स अब ये जो पार्ट है ये हमारा जो इक्वेशन नंबर टू हमने लिखी थी यही बन गया पूरा इसके आगे हम ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं जैसे पहले किया था आई वन मान के पहले आई वन सॉल्व कर लिया और वन डी एक्स तो डायरेक्टली आ जाएगा इसको आई वन एज्यूम किया और जैसे पहले सॉल्व किया था इसको वैसे ही कंटिन्यू कर सकते हैं यहाँ से और आपका सेम आंसर आ जाएगा इससे भी न क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट टेन एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स अब यहाँ रूट वाला टर्म है तो इसके रूट के वाले टर्म को अगर हम कुछ अज्यूम करें t टेन एक्स को अगर हम t एज्यूम करेंगे तो क्या आएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी अब यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स प्रेजेंट नहीं है बट वन अपॉन कॉस एक्स मीन सेक एक्स प्रेजेंट है तो हम इसमें क्या कर सकते हैं हम सेक स्क्वायर एक्स को डिलिबरेटली बनाने की कोशिश करेंगे कैसे कॉस एक्स है तो एक और अगर नीचे कॉश एक्स आ जाए तो क्या बन जाएगा ये कॉस स्क्वायर एक्स डिनोमीटर में और ओवरऑल सेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा डिनोमीटर में तो हम क्या करते हैं कॉस एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं फिर देखते हैं क्या बनता है अंडर उन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा कॉस एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया ये डिनोमीटर का कॉस स्क्वायर एक्स क्या कन्वर्ट हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स में तो इंटीग्रेशन अंडर रूट टेन एक्स कॉस एक्स और ये कॉस स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स लेते हैं ड्यूमोमीटर में डीएक्स अपॉन साइन एक्स बट इसमें अभी भी एक प्रॉब्लम है अगर हम टेन एक्स को टी एज्यूम करते हैं तो ये वाला तो रूट टी में कन्वर्ट हो जाएगा ये वाला पार्ट डी टी में बट ये वाले पार्ट का क्या करेंगे साइन एक्स और कॉस एक्स को टी के टर्म्स में कैसे लाएंगे उसके लिए हम कॉस एक्स को डिनोमीटर में अगर ले आएँ तो साइनेक्स अपॉन कॉस एक्स ये कन्वर्टर हो जाएगा टेन एक्स में तो अंडर रूट टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और इसको हम डिनोमीटर में ले आएँ तो क्या बन जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स ये बन जाएगा टेन एक्स तो ओवरऑल ये क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन वन अपॉन अंडर रूट टेन एक्स पावर्स कैंसिल हो जाएंगी ये वाली और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अब अगर हम टेन एक्स को टी एज्यूम करें तो वन अपॉन रूट टी कन्वर्ट हो जाएगा ये और ये वाला पार्ट डी टी में तो सब कर देते हैं लेट टेन एक्स इक्व टू टी और इसका डिफेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्व टू डी टी तो इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा इंटीग्रेशन वन अपॉन अंडर रूट टी रूट टेन एक्स है तो टेन एक्स के प्लेस में टी और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स कन्वर्ट हो जाएगा डी टी में अब इससे इंटीग्रेशन को कैसे लिख सकते हैं टी की पावर माइनस हाफ डी टी और टी की पावर एन के इंटीग्रेशन का फॉर्मला अप्लाई करते हैं इसमें टी की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन मीन्स माइनस हाफ प्लस वन मीन्स हाफ अपॉन माइनस हाफ प्लस वन अगेन हाफ तो वन नीचे और टू ऊपर आ जाएगा प्लस कॉन्स्टेंट सी तो टू रूट टी प्लस सी और टी क्या है टेन एक्स तो हो जाएगा टू अंडर रूट टेन एक्स प्लस सी यह आपका आंसर आ गया ना क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव उसमें इंटीग्रेट करना है वन प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स डी एक्स तो इसमें वन प्लस लॉग एक्स को अगर हम टी आज करें तो इसका डिफरेंशिएशन वन बाई एक्स डी एक्स आएगा और वो यहाँ पे प्रेजेंट है तो इसको हम अज्यूम कर लेते हैं लेट वन प्लस लॉन्ग एक्स इक्व टू टी तो उसको डिफेंशिएट करके वन अपॉन एक्स डी एक्स इक्व टू डी टी तो यहाँ से इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा वन प्लस लॉन्ग एक्स का होल स्क्वायर मीन्स टी का स्क्वायर और डी एक्स अपॉन एक्स ये क्या है डी टी है तो टी स्क्वायर डी टी आ गया अब टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब बाई थ्री प्लस सी और टी के प्लेस में वन प्लस लॉग पुट कर देते हैं ये आ जाएगा वन प्लस लॉग एक्स का क्यूब अपॉन थ्री प्लस सी ये आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स यह इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस वन एक्स प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स डी एक्स इसमें सबसे यूनिक टर्म क्या है एक्स प्लस लॉग एक्स और का टर्म है तो इसको अगर हम टी एज्यूम करें एक्स प्लस लॉग एक्स इक्व टू टी तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा वन प्लस वन बाई एक्स डी एक्स टू डी टी अब ये वाला टर्म यहाँ पे है या नहीं है देखते स्मेल सेम लें तो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स डी एक्स टू डी टी तो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स डी एक्स यहाँ है तो इसको अगर हम टी एज्यूम करेंगे तो ये तो टी स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा और ये बाकी रिमेनिंग पार्ट डी टी में तो सबस्टूट कर देते हैं हम इसको लेट एक्स प्लस लॉग एक्स इक्वल टू टी तो इसका डिफिनसिएशन वन प्लस वन बाई एक्स डी एक्स इक्व टू डी टी और ऐसे हम लेके एक्स प्लस वन अपॉन एक्स डी एक्स इक्व टू डी टी तो इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा इंटीग्रेशन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स डी एक्स ये तीनों टर्म मिलके डी टी बन जाएंगे और एक्स प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर ये बन जाएगा टी स्क्वायर अब टी स्क्वायर डी टी पूरा टी में कन्वर्ट हो गया तो इसका इंटीग्रेशन आ गया टी क्यूब बाई थ्री प्लस सी अब आंसर एक्स में निकालने के लिए टी के प्लेस में एक्स प्लस लॉग एक्स पुट कर देते हैं एक्स प्लस लॉग एक्स का होल क्यूब बाई थ्री प्लस सी ये आपका आंसर आ गया ना क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन इसमें इंटीग्रेट करना है एक्स क्यूब साइन टेन इनवर्स एक्स की पावर फोर अपॉन वन प्लस एक्स की पावर एट डी एक्स इसको इंटीग्रेट करना है अब ये अगेन स्टैंडर्ड फंक्शन तो नहीं है ये तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है तो इसमें सब्स यूज़ करते हैं यहाँ पे x की पावर फोर है इसको अगर हम टी एज्यूम करें एक्स की पावर फोर को तो इसको हम टी स्क्वायर लिख सकते हैं एक्स की पावर एट को और एक्स की पावर फोर के डिफ्रेंसीशन में क्या आएगा एक्स क्यूब आएगा तो यहाँ पे प्रेजेंट है तो हमें ये सही डायरेक्शन लग रही है तो इसको एज्यूम करके देखते हैं लेट एक्स की पावर फोर इक्वस टू टी तो इसका डिफ्रेंसीशन फोर एक्स क्यूब डी एक्स इक्वस टू डी टी अब यहाँ पे एक्स क्यूब डी एक्स है तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब डी एक्स इक्व टू वन बाई फोर डी टी तो ये वाले टर्म्स आ गए तो इंटीग्रेशन को हम कोशिश करते हैं टी में कन्वर्ट हो जाए पूरा तो एक्स क्यूबी एक्स तो आ गया वन बाई फोर डी टी तो वन बाई फोर बाहर और डी टी अंदर अब ये टर्म है क्या साइन टेन इनवर्ट्स डी टी को यहाँ थोड़ा दूर लिख देते हैं डी टी टेन इनवर्ट्स एक्स की पावर फोर ये क्या हो जाएगा टी अपॉन वन प्लस एक्स की पावर एट तो मीन्स वन प्लस टी स्क्वायर तो ये पूरा इंटीग्रेशन टी में कन्वर्ट हो गया बट स्टिल ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आया डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते बट हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं अगर टेन इनवर्स टी को हम नया वेरिएबल कुछ यूज यूम कर लें तो वन अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर यहाँ पे है जो कि टेन इनवर्स टी का डिफेंसीशन होता है तो इसमें एक और बार सब करके देखते हैं लेट टेन इनवर्स टी इक्वल्स टू यू तो इसका डिफेंशिएशन वन अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर डी टी इक्व टू डी यू तो इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा वन बाई फोर इंटीग्रेशन साइन टेन इनवर्स टी क्या है यू है तो साइन यू हो जाएगा ये और डी टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर ये क्या हो गया डी यू तो साइन यू डी यू ये कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई तो साइन यू का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस यू तो माइनस वन बाई फोर कॉस यू प्लस कॉन्स्टेंट सी अब आंसर आपको एक्स में चाहिए तो पहले यू को टी में कन्वर्ट करेंगे और टी को एक्स में तो यू को टी में कन्वर्ट करने के लिए यू के प्लेस में टेन इनवर्स टी पुट करते हैं माइनस वन बाई फोर कॉस ऑफ कॉस ऑफ टेन इनवर्ट्स टी प्लस सी अब टी को एक्स में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या सब शूट किया था एक्स की पावर फोर है टी तो टी के प्लेस में एक्स की पावर फोर पुट करते हैं यह आ जाएगा माइनस वन बाई फोर कॉस टेन इनवर्ट्स एक्स की पावर फोर टी के प्लेस में एक्स की पावर फोर प्लस सी तो ये आपका एक्स के टर्म्स में आ गया और ये आंसर आ गया आपका अब इसी क्वेश्चन को एक अलग मेथड से देखते हैं मेथड टू ये मेथड वन में हमने क्या किया था पहले क्या क्या सब्स्यूशन किया एक्स की पावर फोर इक्व टू टी लिया देन टेन इनवर्स टी इक्वस टू यू टेन इनवर्स टी इक्व टू यू लिया तो इसमें अगर टी के प्लेस में एक्स की पावर फोर पुट करें तो टेन इनवर्स एक्स की पावर फोर इसको हमने सब्स्यूट किया ओवरऑल तो हम डायरेक्टली इसको भी सब्सट्यूट कर सकते हैं टेन इनवर्स एक्स की पावर फोर को, को कोई वेरिएबल लेके तो पहले क्वेश्चन क्या था क्वेश्चन था आपका इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर थ्री साइन ऑफ टेन इनवर्स एक्स की पावर फोर अपॉन वन प्लस एक्स की पावर एट डी एक्स तो हमने यहाँ से क्या निकाला था अभी टेन इनवर्स एक्स की पावर फोर तो हम इसको डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं क्या आएगा लेट टेन इनवर्स एक्स की पावर फोर इक्वल्स टू टी नया अवेलेबल कुछ भी ले सकते हैं टी यू वी कुछ भी ले लें आप अब इसको डिफेंशिएट करते हैं टेन इनवर्स एक्स की पावर फोर चेन रूल लगेगा तो टेन इनवर्स का डिफेंशिएशन वन अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर मीन्स ये वाले जो आर्ग्यूमेंट है इसका स्क्वायर ये हो जाएगा एक्स की पावर एट इन टू चेन रूल से एक्स की पावर फोर को डिफेंशिएट करेंगे फोर एक्स क्यूब डी एक्स इक्वल्स टू क्या डी टी अब यहाँ पे एक्स क्यूब प्रेजेंट है वन अपॉन एक्स की पावर एट प्रेजेंट है और dx प्रेजेंट है ये फोर एक्स्ट्रा है फोर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एक्स क्यूब डीएक्स अपॉन वन प्लस एक्स की पावर एट इक्वल्स टू वन बाई फोर डी टी आ गया तो अब देखते हैं इंटीग्रेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा इंटीग्रेशन क्या आएगा इंटीग्रेशन एक्स क्यूब वाला टर्म वन प्लस एक्स की पावर एट वाला टर्म और डी एक्स वाला टर्म ये तीनों मिलकर क्या बन जाएंगे वन बाई फोर डी टी तो वन बाई फोर बाहर और डी टी अंदर और रिमेनिंग पार्ट क्या है साइन टेन इनवर्स एक्स की पावर फोर और टेन इनवर्स एक्स की पावर फोर क्या है टी है तो ये साइन टी डी टी हो गया इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी तो माइनस वन बाई फोर कॉस टी प्लस कॉन्सटेंट सी अब आंसर एक्स में लाने के लिए टी के प्लेस में टेन इनवर्स एक्स की पावर फोर रिप्लेस कर देते हैं माइनस वन बाई फोर कॉस टेन इनवर्स एक्स की पावर फोर प्लस सी ये आपका आंसर आ गया मेथड टू से क्वेश्चन नंबर थर्टी एट चूज़ द करेक्ट आंसर ये इंटीग्रेशन की वैल्यू पूछी है तो इंटीग्रेट करना है आपको टेन एक्स की पावर नाइन प्लस टेन की पावर एक्स लॉग टेन अपॉन एक्स की पावर टेन प्लस टेन की पावर एक्स डी एक्स तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए ये डिनोमीटर को हम टी एज्यूम करते हैं क्या आएगा लेट एक्स की पावर टेन प्लस टेन की पावर एक्स इक्वास टू टी अब हम देख सकते हैं x की पावर टेन का डिफेंशिएशन क्या आएगा टेन x की पावर नाइन और टेन की पावर x का डिफेंशिएशन आएगा टेन की पावर x log टेन क्योंकि a की पावर x का डिफेंशिएशन क्या होता है ये होता है a की पावर x log a तो इसका डिफेंशिएशन यही आ जाएगा तो इसको डिफेंशिएट करके आएगा टेन x की पावर नाइन प्लस टेन की पावर x log टेन डी एक्स इक्व टू डी टी तो ये पूरा न्यूमिटर वाला टर्म कन्वर्ट हो जाएगा किसमें dt में ये पूरा टर्म डी में तो इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा निमीटर तो हो गया dt टी अपॉन एक्स की पावर टेन प्लस टेन की पावर एक्स ये क्या है टी तो अब इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं पूरा टी में आ गया सारा और स्टैंडर्ड फॉर्म भी है तो ये हो गया लॉग mod t प्लस सी तो ये हो जाएगा लॉग t क्या है x के टर्म्स में x की पावर टेन प्लस टेन की पावर x तो तो प्लस सी तो अब ऑप्शन देखते हैं ऑप्शंस में ये रॉन्ग हो गया ऑप्शन बी रॉन्ग हो गया सी भी रॉन्ग हो गया सिर्फ डी में लॉग आ रहा है और बाकी चेक करते हैं बाकी टर्म्स 10 की पावर एक्स और एक्स की पावर 10। अब यहाँ पे मॉड हटा सकते हैं क्योंकि एक्स की पावर टेन क्या होगा इवन पावर है तो पॉजिटिव या फिर नॉन नेगेटिव ही होगा और 10 की पावर एक्स हमेशा पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव टर्म्स एड होके पॉजिटिव आ रहे हैं तो इसको हम मॉड हटा सकते हैं प्लस साइन के साथ तो ये बन जाएगा log x की पावर 10 प्लस टेन की पावर x प्लस सी तो अब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया आपका देर फोर डी इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन इसमें इंटीग्रेट करना है आपको डी एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इसको इंटीग्रेट करना है तो ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है बट इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है कैसे ये न्यूमेटर में इसको वन इंटू डी एक्स लिख सकते हैं और वन क्या होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का इक्वल होता है डी एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स तो अब न्यूमेटर को अलग अलग करके लिख लेते हैं यह आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स अब इसमें पहले वाले टर्म में साइन स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल सेकेंड वाले में कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया दोनों से तो ये क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इसको लिख सकते हैं हम सेक स्क्वायर एक्स इसका इंटीग्रेशन इजी है क्या होता है टेन एक्स होता है स्टैंडर्ड फॉर्म है प्लस वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स ये क्या होता है कॉसक स्क्वायर एक्स डी एक्स अब कॉसैक्सवायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉसैक्सक्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है कॉट एक्स तो प्लस कॉसैक्सक्वायर होगा माइनस कॉट एक्स तो इसको सेपरेट करके लिख देते हैं इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉशेक स्क्वायर एक्स डी एक्स तो पहला इंटीग्रेशन आ जाएगा आपका टेन एक्स और कॉशेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी अब ऑप्शंस देखते हैं टेन एक्स माइनस एक्स आना चाहिए तो रॉन्ग तो हो गया ऑप्शन बी करेक्ट हो गया तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया आपका देरफोर ऑप्शन बी इज करेक्ट